Voilà donc. क्या चाहते हो? बदले की जो आग मेरे दिल में जल रही है, उस आग में मैं तुझे, तेरे घर को, तेरे नामो निशान को जलाकर राख करने आया हूं। तुम बहादुर सिंह हो? हाँ, बहादुर सिंह, जिसे तुम लोगों ने शेर सिंह बना दिया। भगवान के लिए मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। बहुत नाजायज फायदा उठाया है तुमने इस वर्दी का कुंदन सिंह। अब इस वर्दी की आड़ में मैं तुझे और जुल्म नहीं करने दूंगा। ये हिस्सा बड़े सरदार का है। पैरव, एक बात समझ नहीं आती। सर पर कफन बांध के टाके हम डालें और आधा हिस्सा बड़े सरदार ले जाकर क्यों? बिरजो, खबरदार जो दोबारा ऐसे लफ्ज जबान से निकाले। क्यों भूल जाए तो एक सरदार के हम लोगों पर कितने एहसान हैं। सरदार आ गए। सरदार की जय हो, 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 जय हो। आओ सरदार, मैं तो सिर्फ नाम का सरदार हूं, असली सरदार तो तुम हो शेर सिंह। नहीं सरदार, जरा सोचो, अगर तुम मुझे अपनी पनाह में नहीं लेते, मुझे पुलिस से नहीं बचाते, तो आज खुली जगह में सांस लेने के बजाय मैं किसी जेल की कोठरी में होता। यहां मौजूद हर आदमी पुलिस के डर से भागा होगा। पनाह मैंने बहुतों को दी, लेकिन तुम मेरे सबसे बहादुर और वफादार साथी। जिस तरह हम वफादारी की कदर करते हैं, उसी तरह हमारे सामने सर उठाने वाले को जिंदा भी नहीं छोड़ते। बेचारा बिरजू कितना खुश था कल से, सारे गांव में मिठाई बांटने की सोच रहा था। खबर मिली थी कि कल उसके घर पे लड़का हुआ है, बजाय लड़के का मुंह देखने के मौत के मुंह में चला गया। लड़का हुआ है, दुगनी निशान लूंगी बाहर। अरे दुगनी क्या, दाई मात चौगनी मिलेगी चौगनी। तो मेरी साड़ी भी पक्की? हाँ मेरी बहन, तेरी साड़ी बिल्कुल पक्की। अरे बेटे जल्दी मिल ले, तेरी गाड़ी का टाइम हो रहा है। बापू आज सचमुच यकीन हो गया आप सूबेदार थे, आपको बाप से ज्यादा फौजी की ड्यूटी का पता है। मैं जरा देख लूं कि बेटा बाप पे क्या कि माँ पे। मैं आता हूँ। अरे गंगा, ये बिल्कुल तुझ पे गहरी। गंगा, ए गंगा, मैं तेरा ऐसा जिंदगी भर नहीं भूल सकता। ये क्या आप वर्दी में? क्या है गंगा के, जंग छिड़ गई है ना, माँ का बुलावा है। यूं समझ ले कि मैं तेरी माँ होने के इंतजार कर रहा था। अरे ये क्या,
माँ की बुलावे पर माँ होकर रो रही है। पता नहीं क्यों, जब भी हम दोनों की जिंदगी में खुशी आती है, आपको बुलावा आ जाता है। शादी के दूसरे दिन ही हम चले गए थे। पर जानते क्यों, भगवान चाहता है कि हमारा प्यार बढ़े। दूर रहने से प्यार बढ़ता है ना। कंगा, नहीं कहाँ खो गए भैया? ओ मैं भैरव, आज गंगा और मुन्ना की याद आ गई। अब तो करीब 5 साल का हो गया होगा मुन्ना। मुन्ना 6 साल का हो गया और मेरी बहन की बेटी 4 साल की। भगवान हिम्मत, तुम जमाने से जंग लड़ रहे हो, तो वो बिचारी अपने आप से लड़ रही। करो, कभी कभी सोचता हूं ये जंग कब खत्म होगी। भगवान पर भरोसा रखो भैया, उसने जंग शुरू कराई है तो खत्म करने का रास्ता भी वही दिखाएगा। महात्मा गांधी कहते थे, दूसरों के लिए जीने वाला इंसान ही सच्चा इंसान होता है। उसके तो भाई, ये टाइम तुम्हारा खाना खा के सोने का है या पढ़ने का है? आज के बाद जब तक आप घर नहीं आएंगे, हाँ। ना हम खाना खाएंगे ना सोएंगे। ओहो, ऐसी की तैसी। तो बेटे के जरिए बाप को फंसा जा रहा है। क्या करो, पत्नी के कब्जे में तो आप आते नहीं। अरे साहब, पत्नी के कब्जे में अगर नहीं होता तो छोटा परिवार सुखी परिवार नहीं होता। सुखी परिवार तो उसे कहते हैं जिनके पास जरूरत की हर चीज हो। शहर के डॉक्टरों को देखिए, एयर कंडीशन डिस्पेंसरी, कार, बंगला, टाइम पर मरीजों को देखना, और एक आप हैं। विदेश की इतनी डिग्रियां लेने के बावजूद गांव में गोबर सूंघते फिर रहे हैं, यही ना? अच्छा, आप मुझे बताएंगी कि इंसान की जरूरत क्या है? हम बताते हैं, उसके घर में प्रेम हो, शांति, लोग उसकी इज्जत करते हैं, उसके कर्म कुछ ऐसे हो कि जीते जी ही क्यों, मरने के बाद भी उसे याद किया जाए। वैसे आज मैं आपको अपनी अमीरी और कंडीशन के बारे में बता ही देता हूं। जब कोई गरीब इंसान मेरी गोली से, मेरी टैबलेट से अच्छा होकर मेरे परिवार के सुख के लिए दुआ करता है, तो उस वक्त मैं इस संसार का सबसे बड़ा आदमी महसूस करता हूं। आपकी कसम, अपनी आत्मा एयर कंडीशन हो जाती है। जाने मन, अपने लिए तो जानवर भी जीते हैं, अरे दूसरों के लिए जियो, बड़ा मजा आता है, है? पापा, हाँ? ये बात तो महात्मा गांधी भी कहते थे। हाँ, कहते जरूर थे। कहते थे बेटे, इसलिए जिनके लिए वो बेचारे जीते थे उन्हीं अपनों ने उन्हें गोली मारी। बढ़ने की जरूरत नहीं, इस गांव का मुखिया पटेल और गरीब किसानों का खून चूसने वाला वो हराम ज्यादा लाल चंद चाहिए। ये तो काफी जख्मी है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। क्या कह रहे हैं आप, वो तो डाकू है। अरे डाकू है तो क्या हुआ, इंसान है वो, उसे डॉक्टर की जरूरत है। चारों तरफ गोलियां चल रही हैं, अगर आप बाहर गए तो ऐसी की तैसी, मौत से कभी कोई बचा है? अगर किसी गोली पर मेरा नाम लिखा हो तो यहाँ भी लग सकती है। नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। अगर मेरे ना पहुँचने पर वो आदमी मर गया तो मैं अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा। Thank you.
ऐसी की तैसी, बड़ा सच्चा निशाना है, कंबक सीधी दिल में घुस गई। कौन है आप? मैं एक डॉक्टर हूं। डॉक्टर? डॉक्टर साहब मुझे माफ करो। डॉक्टर साहब मैंने पुलिस समझकर आप पर गोली चला दी। डॉक्टर साहब मुझे माफ कर देना। डॉक्टर साहब किस्मत का खेल, तुम्हारी गोली निकालने आया था, नसीब में मेरे लिखी थी। इतनी हिम्मत नहीं कि तुम्हारी गोली निकाल सकूं। तुम ये कैप्सूल खा लो, तुम्हारे शरीर में गोली का जहर नहीं चढ़ेगा। अरे खा लो दोस्त, जहर की ऐसी की तैसी। तुझे मौत से बचाने आए थे और तूने उन्हें ही मौत दे दी। तूने मेरे बाप का सिंदूर मिटाया है, इस बच्चे के सर से उसके बाप का साया छीना है। भगवान करे तुझे कभी पत्नी का सुख न मिले, औलाद का प्यार न मिले, फिर तब तक तू जिंदा लाश मत करती, जिंदगी तेरे लिए बोझ बन जाए। शशि जल्दी चलो, पुलिस की एक और जीप आ गई। चलो शेरसिंह, मेरा श्राप तुझे चैन से जीने नहीं देगा। तू कहीं चैन से नहीं जिएगा, कभी चैन से नहीं जिएगा, कहीं चैन से नहीं जिएगा। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, पापा की कसम मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरे बाप का सिंदूर मिटाया है, इस बच्चे के सर से उसके बाप का साया छीना है। भगवान करे तुझे कभी पत्नी का सुख न मिले, औलाद का प्यार न मिले, मैं तब तक तू जिंदा लाश बन गई, जिंदगी तेरे लिए बोझ बन जाए। मेरा श्राप तुझे चैन से जीने नहीं देगा, कहीं चैन से नहीं जिएगा, कहीं चैन से नहीं जिएगा। नहीं शेर सिंह, क्या बात है? अरे अरे माथे पर इतना पसीना? ये पसीना नहीं है सरदार, ये मेरी आत्मा के आंसू है जो आज के एक गुनाह के डर से छलक पड़े हैं। जिस इंसान के शरीर में डर नाम के नस ना हो वो आज ऐसी बातें कर रहा है, क्या हो गया है तुम्हें? मेरे अंदर का इंसान पिंजरे में बंद पंछी की तरह फड़फड़ा रहा है, इसे सुकून चाहिए और वो सुकून प्रायश्चित से मिलेगा। सरदार मैं पापी हूं और जब तक मैं अपने पाप का प्रायश्चित नहीं कर लेता मुझे चैन नहीं मिलेगा, कभी चैन नहीं मिलेगा, मरकर भी नहीं। कहां जा रहे हो शेर सिंह? अपने आप को कानून के हवाले करने। पागल हो गए शेर सिंह, तुम क्या समझते हो सजा भुगतने के बाद तुम इज्जत की जिंदगी जी सकोगे? नहीं, मरते दम तक डाकू के नाम का ठप्पा तुम्हारे नाम के साथ जुड़ा रहेगा। शेर सिंह मेरे पाप का प्रायश्चित जिंदगी नहीं सरदार, मौत है जो सजा के तौर पर कानून मुझे देगा। तुम यहां से नहीं जा सकते। किस माई के लाल में हिम्मत है जो आज मुझे रोक सके? है किसी में हिम्मत? हिम्मत है तो आओ रोक लो मुझे।
शेर सिंह, मेरे पास आने वाला आता अपनी मर्जी से, लेकिन यहां से जाता है सिर्फ मेरी मर्जी से, वो भी भगवान के पास। सरदार, तुम्हारे मुझ पे एहसान ना होते तो मैं तुम्हें अभी इसी वक्त ऊपर पहुंचा देता। एहसान फरामोश! दौलत सिंह, मैं चाहूं तो तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दूं, लेकिन तेरे उसे एक एहसान के बदले जो तूने पुलिस से बचाकर मुझ पे किया था, मैं तेरी जान बख्शता हूं। लेकिन आज से तेरे उन एहसानों का खाता बंद करता हूं। डरो नहीं, एक वादा करके जाता हूं कि तुम्हारा और तुम्हारे गिरोह का नाम मेरी जबान पर कभी नहीं आएगा। योर ऑनर, कटहरे में खड़ा ये इंसान सिर्फ मुजरिम ही नहीं बल्कि एक खूनी दरिंदा है, एक भेड़िया है, एक ऐसा शोला है जिसने इंसानियत के नाम को जुल्म की आग में जलाकर भस्म कर दिया है। इसका नाम है शेर सिंह। यही कहना चाहते हो वकील साहब? ऑर्डर, ऑर्डर। मुजरिम शेर सिंह, तुम्हें जो कुछ कहना है उस वक्त कहना जब तुमसे पूछा जाए। इससे पहले कि मेरे अत्याचारों की उस फाइल को खोला जाए जो आपकी टेबल पर रखी है जज साहब, मैं अपनी जिंदगी की उस फाइल को अदालत के सामने खोलना चाहूंगा जिसने मुझे डाकू बनाया है, जिसने मुझे जालिम बनाया है। वो फाइल जिसके कागज के पन्ने कलम रोशनाई से नहीं लिखे गए जज साहब, तो खून से लिखे गए हैं, मेरे दिल पर, मेरे दिमाग पर। और जिन्हें लिखने वाले इस सालिम समाज के तन भेड़िए हैं जो हमें डाकू बनाकर खुद तन की जिंदगी बसर करते हैं। अदालत तुम्हें तुम्हारे दिल की बातें कहने का मौका देती है। मैं फौज में था, एक दिन हम मोर्चे पर थे, दुश्मन को मौत की घाट उतारने के बाद हम फतेह का जश्न मना रहे थे कि मेरी पत्नी की चिट्ठी मुझे मिली, गांव के जिम्मेदार ने मेरी बहन की आबरू लूट ली, मेरी बहन ने आत्महत्या कर ली, मेरे बहनों और मेरे बाप ने जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए।
तो जमींदार के आदमी ने हमारे घर को आग लगा दी। मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा बहनोई साथ में जिंदा जल गए। जज साहब जिंदा जल गए। किसी तरह मेरी पत्नी, मेरे बेटे, मेरी बहन की निशानी उस मासूम बच्ची को लेकर भागने में कामयाब हो गई। जज साहब, सरहद पर जीतने वाले को घर वालों ने हरा दिया। जज साहब, घर वालों ने हरा दिया। कानून का सहारा लेकर मैं इन कातिलों को फांसी के तख्ते पर ले जाना चाहता था। यही सोचकर मैं थाने गया, बड़े अफसर से मिला, कानून और इंसाफ की दुहाई दी, लेकिन जिम्मेदार ने पैसे के बलबूते पर कानून के रखवालों को खरीद लिया। मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाकर वो मुझे जेल भेजना चाहते थे। जिस देश की हिफाजत के लिए मैं मोर्चे पर जान की बाजी लगाता था, जब उसी देश का कानून मेरा दुश्मन बन गया, तो इन फौजी हाथों ने बंदूक उठा ली। मैंने जिम्मेदार और कानून को खिलौना समझने वाले हर अफसर को मौत के घाट उतार दिया। अब जो इनके मोर्चे की तरह इनके खिलाफ मोर्चा लड़ना मेरा धर्म बन गया था। मैं फौजी था जज साहब, मैंने फौजी का धर्म निभाया, लेकिन कानून ने मुझे डाकू का नाम दे दिया। मेरे अंदर जो कर्तव्य की आग भरी थी, नफरत की आग में बदल गई। मैं एक ज्वालामुखी बन गया जज साहब, और अब मेरी जिंदगी में एक ही चीज रह गई, आग ही आग। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ शेर सिंह, अदालत सिवाय अफसोस के और कुछ नहीं कर सकती। करने वालों को तुमने खुद सजा दी, और जो कुछ तुमने लोगों के साथ किया उसकी सिर्फ एक ही सजा है, और वो है सजाए मौत। लेकिन खुद को कानून के हवाले करना और प्रायश्चित की ख्वाहिश को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत मुजरिम शेर सिंह को उम्र कैद की सजा देती है। नहीं जज साहब, मुझे मौत की सजा दीजिए। मौत ही मेरे गुनाहों का बदला है जज साहब। नहीं शेर सिंह, नहीं। तुम्हारे लिए मौत से बड़ी सजा है जिंदगी। जब यह सजा काट कर तुम बाहर आओगे, एक अच्छे और शरीफ नागरिक की जिंदगी बसर करोगे, तो ये एक बहुत बड़ी मिसाल होगी उन लोगों के लिए जो मुजरिम बनना चाहते हैं, और उन लोगों के लिए भी जो जुल्म की दुनिया को छोड़ना चाहते हैं। आओ शेर सिंह, तुम पहले कैदी हो जिसका स्वागत करने के लिए हम खुद आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारा काम है कैदियों को सुधारना, खुद सुधार कर आने वाले तुम पहले कैदी हो। देखिए, आपने जब इतना समझ लिया है, एक छोटी सी दरख्वास्त है मेरी। बोलो। मैं शेर सिंह के चोले से निकल आया हूँ। मैं चाहता हूँ इस नाम की छाप भी उतर जाए तो अच्छा होगा। मेरा असली नाम बहादुर सिंह है। घबराओ नहीं, ये बात कोई नहीं जान पाएगा कि बहादुर सिंह के नाम से सजा भुगतने वाला कैदी अपने जमाने का मशहूर डाकू शेर सिंह। ये एक दरखास्त और है, इस कागज पर पता लिखा है जेल में मेहनत मजदूरी का जो भी मेहनताना मिले इस पत्र पर भिजवा दीजिए। ठीक है, शुक्रिया। बहादुर सिंह, तुमसे कोई मिलने आया है। अरे गंगा, तू यहाँ? भगवान का लाख लाख शुक्र, उसने मेरे सुहाग को बचा लिया। गंगा, पर की जो सजा आसान हो जाती, जिंदा रह के भगवान ने उसे बढ़ा दिया है। ऐसे क्यों कहते हैं आप? आप सलामत रहे, इसके लिए मैंने कितनी दुआएं की। अरे पगली, तेरी दुआ ने मुझे बचा तो लिया है, लेकिन मेरी डाकू की जिंदगी, मेरा नाम तेरे लिए और मेरे बेटे के लिए कलंक बन जाएगा। नहीं, नहीं,
मैं किसी से नहीं कहूंगी कि मेरे पति जेल में है, अपने विजय से भी नहीं। कह दूंगी कि वो कहीं जंग में लापता हो गए। बरसों बाद अब जब घर लौटकर आएंगे, अपने बेटे के साथ आपका वो स्वागत करूंगी जैसे किसी वीर पुरुष का किया जाता है। जिन अरमानों को मैंने अपनी जिंदगी की किताब से काट कर फेंक दिया है, भगवान के लिए वो सपने मुझे दोबारा ना दिखा। ये सपने सच होंगे जी, ये मेरा वादा है। लेकिन कीजिए, अगर अपना वनवास इन सपनों के सहारे पूरा करना चाहती है तो ठीक है, मैंने अपना लेता हूँ। लेकिन एक वादा कर मुझसे, तू दोबारा कभी मुझे जेल में नहीं मिलने आएगी। इतने बड़े इम्तिहान में मुझे मत डालिए, आपको बगैर मिले मैं जीऊंगी कैसे? अरे पगली, अगर विजय को पता चल गया कि उसका बाप एक डाकू है, जेल में कैद काट रहा है, तो कैसे जिएगा, कैसे जिएगा वो? नहीं मिलूंगी आपसे, सिर्फ इतनी इजाजत दे दीजिए, जिंदगी के इस जंग में जब भी अपने आप को अकेला महसूस करूं तो आपको चिट्ठी लिखकर दिल का बोझ हल्का कर सकूं। गंगा, गंगा राम, दिल्ली का वक्त खत्म हो गया। सलाम गंगवा दादा। जयराम जी। अब ढक्कन के बड़ा लठ लेके घूम रहे हैं, हाथ पीछे कर। वाह साला क्या घोड़ा है, अबे ढक्कन के हमसे मुंह घुमा रहे हैं। तेरी साला कदा, आपने एक साथ दो दो गलतियां की है साहब। पहली, इसकी कोई बहन नहीं कि आपके साथ शादी हो, इसलिए ये आपका साला नहीं हो सकता। और दूसरी बात ये है कि आपने इसे कदा कहा, जबकि ये तो घोड़ा और इसका नाम है प्रीतम। प्रीतम? हाँ दोस्त, यही समझा रहा हूँ इसको। देखिए साहब,
ये जो मेरा प्रीतम है ना, बड़ा जज्बाती है। दिल में जरा सी ठेस लग जाए तो ना ये खाता है, ना पीता है, ना सोता है। और आपने इसके दिल को दुखाया, इसलिए आपको माफी मांगनी होगी इसे। माफी? और इस खच्चर से? अबे हट! ये देखिए, अब तो ये नाराज भी हो गया है। कहता है कि अगर इसे गुस्सा आया तो आपके साथ साथ मेरी भी खटिया खड़ी कर देगा। मेरा दोस्त है। अबे ऑलराउंड है, काय को जंगली कबूतर की तरह इचरिया फोदक रहा है। शायद तो मेरा नाम ना जाने है। गंगुआ नाम है मेरा। इस इलाके का चप्पा चप्पा मेरे नाम से कांपे है। लो बस, जेल भी हो आए हो। हिंदुस्तान को बड़ा नाज है आप जैसे लोगों पर। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। अब जरा माफी मांग कर इस बेजुबान को भी खुश कर दीजिए ना। माफी? अब ढक्कन के, अब तो मैं इसे कोलू में बैल की जगह जोतूंगा। बोल क्या कीमत है इसकी, जल्दी बोल। देखिए सर, एक तो आप इसे किसी भी कीमत पर खरीद नहीं सकते, और दूसरा कि अब के बाद अगर आपने इसे गधा कहा तो माफी के साथ साथ थोड़ी सी मार भी चली होगी। माफी? अबे उठ। अबे हंस रही है? छोड़ा नहीं। ए राइट मारा, ए लेफ्ट मारा, ए पकड़ा। लगता है प्रीतम ने तुम्हें माफ कर दिया। मैं चलता हूं। नहीं प्रीतम, नहीं। नमस्ते नमस्ते इंस्पेक्टर। क्या बात है भाई, इतने जोरों से भाग रहे हो? एक खूनी का पीछा कर रहे थे, आपने देखा जाते हुए? नहीं, हमने तो किसी को नहीं देखा। चलो खतरा टल चुका है, बाहर निकल आओ। गंगवा, गंगवा तुम मुझे जानते हो चौधरी? इस इलाके के हर छोटे बड़े बदमाशों का रिकॉर्ड मेरे पास है। बदमाशों का रिकॉर्ड तो पुलिस रखती है। तुम घबराओ नहीं, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। फिलहाल किसका खून करके आए हो? खून करना तो अपना शौक है, एक तमाशा देखने वाला मारा गया, जबकि मारना था उस घोड़े बेचने वाले विजय को। भैया आ गए।
अरे भैया ये क्या हुआ? कुछ नहीं, जरा सी चोट लग गई। पर ये चोट लगी कैसे? घोड़े से तो तुम गिर नहीं सकते। ओहो, माए गुंडे से झगड़ा हुआ। झगड़ा? तुमने तो मामी को वचन दिया था किसी से झगड़ा नहीं करोगे। तुम अपनी कमेंट्री बंद करो तो मैं बताओ ना। मगर ये झगड़ा हुआ कैसे? माँ ये झगड़ा उस बदमाश ने शुरू किया। प्रीतम को गधा कहने लगा, उसे खरीदना चाहता था। मैंने उसे बड़े प्यार से समझाया कि देखो भाई साहब, ये घोड़ा बिकाऊ नहीं है। जबरदस्ती पर उतर आया और जनाब ने उसकी पिटाई कर दी। और नहीं तो क्या, बुजदिलों की तरह पिट जाता मैं। बात करती है, तू ही बोल माँ। कोई माँ अपने बेटे को बुजदिल देखना नहीं चाहती, पर ऐसे झगड़े हमेशा दुश्मनी बढ़ा देते हैं। इसका अंजाम अच्छा नहीं होता। माँ मैं एक फौजी का बेटा हूँ, अंजाम के डर से अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं देश की रक्षा करने वाला सिपाही हूँ, अन्याय बर्दाश्त नहीं करूंगा। अच्छा मेरे फौजी मामा के बहादुर बेटे, तुमने जो किया बहुत अच्छा किया। चलो मैं दवा लगा दूं। आपका बेटा बिल्कुल आप जैसी बातें करता है। कितना फख्र है उसे फौजी का बेटा होने पर। भगवान उसे जमाने की हर गर्दी से बचाए। धन्यवाद, ये सब हमारे साथ ही है। कानून ने इनकी तकदीर में जेल की सलाखें और फांसी का फंदा लिख दिया था। हमने इन सबको पनाह देकर कानून के इस लिखे को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। हमारे इस एहसान का बदला ये लोग दो चीजों से चुकाते हैं। एक, कभी इनकी जुबान से ये नहीं निकलता कि इनके गिरोह का असली सरदार मैं हूं। तो मैं जो चाहूं जितना चाहूं सिर्फ उतना ही करते हैं। तुमने मुझे पुलिस से बचाया, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं। एक बात को छोड़कर तुम्हारी हर बात मानूंगा। क्या? ये कभी मत कहियो कि विजय को मारने का ख्याल छोड़ दो। उसका मौका भी तुम्हें दिया जाएगा। फिलहाल तुम्हें सोनापुर गांव के महाजन को लूटने जाना है। सरदार, खबर मिली है कि उस इलाके में नया एसएसपी आया है, उसका नाम है सूरज सिंह। डाकुओं से बहुत नफरत करता है। तकदीर अच्छी होगी तो गंगवा के सामने वो पुलिस वाला कभी नहीं आया। चाहते हो? 1 लाख आने का, 2 लाख जाने का, 3 लाख नकद, बाकी सोना जेवर और तेरी जान। मर गया साला। ये चिताएं किसकी है? तुम में से 6 की। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जिस को मरना है अपने हाथ ऊपर करो। जल्दी चल पुलिस वाले, सबसे पहले मैं ही अपने हाथ उड़ा लेता हूँ। तुम आई बेटे? माँ बहुत अच्छी खबर लाया हूँ मैं। क्यों, शेर सिंह को मार दिया क्या? अरे नहीं माँ, एक दिन शेर सिंह को भी मार दूंगा, लेकिन आज
इस रिवॉल्वर की छह गोलियां फिर से खाली कर डाली, छह मारे जला डाला सबको। तू चाहे 6,000 डाकुओं को मार दे, पर मैं तो सिर्फ शेर सिंह की मौत चाहती हूँ। चिंता मत करो, मैं शेर सिंह की तलाश में हूँ। जिस दिन शेर सिंह मुझे मिल गया उस दिन उसकी ऐसी तैसी नकल डाली तो मेरा नाम सूरज सिंह नहीं। ठीक है, मैं तेरे लिए खाना लाती हूँ। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते ढोलक राम, क्या हाल है? ले आया मनी ऑर्डर? हाँ जी, आज 3 तारीख है ना। हाँ 3 तारीख। अच्छा सर। कौन था बेटे? वही ढोलक राम माँ जो हर बार 3 तारीख को आता है। पोस्टमैन। तुमने जेलर साहब से कहा नहीं? मैंने कहा माँ, मैंने जेलर साहब से कई बार कहा कि मना कर दो, लेकिन उन्होंने कहा अगर उसे मना करोगे तो उस देवता का दिल दुखेगा जो इतने सालों से तुम्हें पैसा भेज रहा है। भगवान जानता है तेरे पिता ने कौन सा उपकार किया था उस पर। माँ वो तो हमसे मिलना ही नहीं चाहता, उसने जेलर से अपना नाम तक बताने को मना किया है। जेलर की तो ऐसी की तैसी। खैर जो भी कहो माँ, जिस दिन वो मिलेगा भगवान के बाद मेरा सर सिर्फ उसकी चरणों में झुकेगा। हेलो सूरज सिंह हियर। साहब शेर सिंह की फाइल मिल गई। व्हाट? फाइल मिल गई? जी, वो सेंट्रल जेल में है। सेंट्रल जेल में? तुम फाइल लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचो, मैं वहां आता हूं। अच्छा साहब। चलो साहब, मुझे उम्मीद है कि आज आप मुझे खाली हाथ वापस नहीं भेजेंगे। मेरा दुश्मन शेर सिंह बरसों से जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है और 15 सालों से आप यहाँ पे जेलर है। आपने मुझ पर एहसान करने वाले उस देवता का नाम तो मुझे नहीं मिला। कम से कम मेरे दुश्मन से मुझे मिला दीजिए जेलर साहब। मैं वादा करता हूँ जेल में उसे कुछ नहीं करूंगा। मैं इंतजार करूंगा उसके जेल से बाहर निकलने का। मेरा भटकना बंद हो जाएगा, मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा। चलो साहब, कि मेरी मंजिल का पता मुझे मालूम हो गया। शांति सूरज, शांति। लो पानी पियो। पानी की ऐसी की तैसी। चलो साहब माफी चाहता हूँ, चलो साहब माफी चाहता हूँ। बरसों की तलाश के बाद आज जब पता चला कि मेरा दुश्मन इस जेल में है शेर सिंह, तो मैं खुशी से एक्साइटेड हो गया। चलो साहब एक बार, प्लीज एक बार मुझे उस शेर सिंह से मिला दीजिए। सूरज बोला नहीं है जेलर साहब। सूरज मैं जानता हूं तुम उसकी तलाश में हो, फिर भी मैंने कभी जिक्र नहीं किया, जानते हो क्यों? दरअसल बात यह है कि ये एक ऐसा राज है जिसे आज तक मैंने अपने मन में छुपा के रखा। क्योंकि तुम पुलिस वाले हो इसलिए तुम्हें बता देता हूं, यहां आने के कुछ ही दिनों बाद वो भाग गया था। जेल और पुलिस की बदनामी ना हो इसलिए इस बात को दबा के रखा गया। चलो साहब, इस फाइल में साफ लिखा है कि शेर सिंह ने आत्मसमर्पण किया था, तो फिर वो भागेगा क्यों? कैसी बातें करते हो सूरज, तुम तो अच्छी तरह से जानते हो एक लुटेरे डाकू की आत्मसमर्पण का क्या भरोसा। अंदर ही अंदर उसे बहुत तलाश किया गया लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। मुझे तो लगता है वो अब तक मर चुका होगा। नहीं चलो साहब, नहीं नहीं चलो साहब, ऐसी बदवा मत दीजिए चलो साहब। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि शेर सिंह को मेरी उम्र भी लग जाए ताकि वो जिंदा रहे और मैं उसे अपने हाथों से मार सकूं। मेरे ख्याल से ऐसा करके तुम अपना वक्त और एनर्जी दोनों बर्बाद करोगे, क्योंकि अगर शेर सिंह जिंदा भी होगा तो अभी तक उसने अपना हुलिया और अपना नाम दोनों बदल लिए होंगे, तुम उसे पहचान नहीं पाओगे। मैं उसे एक झलक में पहचान लूंगा जेलर साहब। मेरे दिल, मेरे दिमाग और मेरी आंखों में उसका चेहरा आज उतना ही साफ है जितना बरसों पहले था। नमस्ते जेलर साहब। बहादुर सिंह, ये नई क्यारी में पहले फूल खिले थे, सोचा आपके लिए ले चलूं। बहुत अच्छा किया, वहां लगा दो। जी ए जेलर साहब, देख रहे हैं हमारी पहली क्यारी का हर पौधा कितना खूबसूरत है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इनमें से। वाकई बहुत अच्छी खुशबू आ रही है बहादुर सिंह जी। एक बात जानते हो, जिस पौधे को तुम अपनी मेहनत की कमाई से इतने दिनों तक सींचते रहे वो आज एसएसपी बन गया है। तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान, एसएसपी बन गया है, आज मैं बहुत खुश हूँ। भगवान उसे दिन दुगनी रात चौकनी तरक्की दे, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करे। क्यों, तुम्हें उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए? मुझे क्या चाहिए जेलर साहब, मैं वो ऊपर वाला तो जान ही जान है, अगर उसने
मेरे पछतावे को थोड़ा बहुत समझा है, बस इतना कर दे मेरे बेटे मेरी पत्नी को दो वक्त की रोटी दे दे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए जला साहब, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। घबरा मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जल्दी करो। जरा जरा सीधी रहना, मैं खींच लेता हूँ, खींच लेता हूँ। ये कोई ढंग है बाहर निकालने का? दरवाजा बंद, सामान ऊपर, और कैसे निकालता? सामान निकालकर नहीं निकाल सकते थे, इडियट। सो तो हूँ, वरना काम छोड़कर तुम्हारी मदद करने क्यों आता? अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? देखिए मेम साहब, मेरी माँ ने मुझे झगड़ा करने से बिल्कुल मना किया। इडियट तक तो मैंने बर्दाश्त कर ली, उसके आगे जो अंग्रेजी गाली तुम्हारे जुबान से निकली तो एक हिंदुस्तानी चापड़ दे दूंगा, समझे? जानते हो मैं कौन हूँ? इस इलाके के सबसे बड़े जमींदार की बेटी हूँ। कौन सी नई बात है, हर लड़की किसी ना किसी की बेटी होती है। मैं चलता हूँ, शाम होगी, रास्ते में सांप और बिच्छू निकल आई। सांप और बिच्छू? ओह, जंगली इलाका है ना, शहर में इंसान निकलते हैं, यहाँ सांप और बिच्छू। इवनिंग वॉक। मेरी कार ठीक करा दो ना। मैकेनिक यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, जो भी होगा सुबह होगा। तो मैं क्या करूँ? गाड़ी में बैठ के सुबह का इंतजार। हाँ, और एक चीज याद रखना कि सोते वक्त अपनी टांगे अंदर करके रखना, क्योंकि मेरी जगह पे अगर किसी जंगली जानवर, रीछ, चीते, भालू ने आकर तुम्हारी टांगे खींच ली तो फिर सब अंग्रेजी गालियां बेकार जाएगी। बाय। अब क्या है? तुम्हारे घर में कौन कौन है? मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी शादी नहीं हुई इसलिए कोई बच्चा नहीं। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, रात वही गुजारूंगी। तो आओ। अब क्या है? कितनी दूर है तुम्हारा घर? साथ में चलोगी तो 7 कदम, अलग चलोगी तो पता नहीं। तुम्हारी बहन, तुम्हारी माँ कहाँ है? तुमने कहा था वो दोनों? मैंने कहा था मेरी माँ मेरी बहन है, ये नहीं कहा था घर में। क्यों नहीं कहा? क्योंकि तुमने पूछा नहीं। वैसे वो दोनों मंदिर गई हैं, कल सुबह लौटेंगी। सुबह? हाँ, क्यों? हम दोनों अकेले इस घर में? तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? मैं कार में रहूंगी। रुक जा, वरना एक झापड़ दूंगा, सारे दांत हाथ में दे दूंगा। इस घर में मेरी माँ मेरी बहन रहती है, ये घर किसी मंदिर से कम नहीं, समझी? तुम अंदर सोओगी, मैं बाहर सोऊंगा। अब क्या हुआ? मुझे भूख लगी है। किचन में सब कुछ है, पकाओ और खा लो। मुझे खाना पकाना नहीं आता। सिर्फ खाना आता है ना, बड़े बाप की बेटी जो। मैं तुम्हें चाय और टोस्ट दे सकता हूँ। चाय तो बनानी मुझे भी आती है। क्योंकि चाय बनाना सबसे मुश्किल काम होता है ना। अभी लेके आता हूँ। अरे पहले हाथ छोड़, क्या हुआ? अरे क्या कर रही है तू? अरे सोमनाथ, तू बोल, क्या बात है? शिव जी की पूजा की थी, प्रसाद लाया हूँ, मगर वो मेम साहब थोड़ी। ओ
ओ ला 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 जय भोलेनाथ जय भोलेनाथ जय भोलेनाथ जय भोलेनाथ अरे वो गया सारी मैडम हंटर वाली गाड़ी में सोने जा रही थी सीधे सादे देहाती को देख के डर गए ना अरे मैं ला रहा हूँ चाय ला रहा हूँ जल्दी ये लो मैडम चाय ये क्या तुमने सारे लड्डू खा लिए भूख लगी थी खा लिए लड्डू मुझे बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन ये तो भांग के लड्डू थे हाँ ओह माय गॉड तो लड्डू खा के मैं हिल जाता हूँ तुम हिलते हो मैं मैडम हंटर वाली हूँ मैंने लगली 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 कैसी हिचकी लगली
राज है। ये लो चाय। मेरे कपड़े? कुछ याद है कल रात को आपने क्या किया? क्या? अपनी और मेरी दोनों की हालत खराब कर दी। भांग के लड्डू खाए, बारिश में भीगी। कपड़े ना उतारता तो तुमने मेरे कपड़े उतारे? तो और कौन उतारता? भीगे कपड़े तुम्हें बीमार कर देते तो? वैसे घबराओ मत, जो कुछ भी किया कंबल के नीचे इन हाथों ने किया, इन आंखों ने कुछ नहीं देखा, मां कसम। मेरी मां गई बाहर, मेरी मां ने तुम्हें ऐसे देख लिया तो मेरा क्या होगा? प्लीज कपड़े पहन लीजिए, प्लीज प्लीज। तुम बाहर जाओगे तब पहनूंगी मैं। बाहर? हाँ, बाहर बाहर। अरे बाहर 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 बाहर। माँ तू आ गई। माँ कैसे गए दर्शन के मेले? मेले के दर्शन? मेरा मतलब है कि शिवजी के दर्शन। कैसे गए माँ? क्या बात है भैया, सुबह सुबह उल्टा बोलने लगे। उल्टा? मैं उल्टा बोल रहा हूँ माँ? माँ माँ तुम थक गई हो माँ, इतनी थक गई। अरे तुम्हारे शरीर पे इतनी थकावट है माँ, तुम्हें क्या हुआ माँ? हाँ बस मैं आई, इतनी दूर से आई हूँ माँ। तुम थक गई हो माँ, तुम थक क्या बात है, आज माँ का बड़ा ख्याल कर रहे हैं। थका तक तुलसी जाते एक ग्लास पानी ला। थका तक थक पानी पानी तुलसी 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 पानी मैं लेके आता हूँ। तुलसी तुलसी तू आराम कर ले तुलसी। क्या बात है भैया, बहन का भी बहुत ख्याल करने लगे। लो बोलो, तुम लोग दोनों भगवान के दर्शन करके आओ। तुलसी तुलसी तू बैठ जा, पानी मैं लेके आता हूँ। तुलसी तू बैठ जा मेरी प्यारी, बैठ जा तुलसी।
लड़की। माँ ये लड़की है, मैं मुसीबत बता, किसने मेरी मदद की? इसकी गाड़ी मुसीबत में थी, मैं शायद निकल गया था। मैं पानी लेके आता हूँ, लेके आता हूँ पानी लेके आता हूँ। मैं बताती हूँ क्या हुआ माँ जी। कहाँ से आ गई लड़की? आ बैल मुझे मार। भैया तुलसी, तुलसी तेरी कसम मैंने कुछ नहीं किया तुलसी। मामी के गुस्से को शांत करने का कमीशन। तुलसी कसम से उसकी गाड़ी इधर ही खराब हो गई थी। संजोग की बात है, संजोग की बात है। आओ मामी ने बुलाया है। मैंने कुछ किया ही नहीं। जानते हो मैंने तुम्हारे लिए क्या सजा सोची है? तुम आरती को इसके घर छोड़ने जाओगे। तुमने अपना फर्ज निभाया, मुझे तुम पर फखर है। पापा, पापा। कम माय डियर डार्लिंग डॉटर, मेरी गुड़िया रानी, चालू पर करो। आज के बाद तुम्हारी पढ़ाई खत्म, अब तुम यहीं रहो। यही तो मैं चाहती हूँ पापा। मगर तुम अचानक कैसे आ गई, मुझे खबर कर देती। खबर करती तो इतना ढेर सारा प्यार कैसे मिलता? यू क्लेवर गर्ल। विजय अंदर आओ ना। पापा ये विजय है। जी नमस्ते। नमस्ते। ये मदद ना करते तो पता नहीं क्या होता। क्या हुआ? मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया था। अरे तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? डोंट वरी पापा, एकदम ठीक हूँ। भगवान का शुक्र है। क्या नाम बताया आपने अपना? जी विजय, पहाड़ी सड़क के किनारे रहता हूँ, घोड़ों का बिजनेस है मेरा। तो तुम वही हो जिससे गंगवा बदमाश का झगड़ा हुआ था? जी हाँ, भाग गया वरना हाथ पैर तोड़ देता। विजय तुम पापा से बातें करो, मैं चाय लेकर आती हूँ। चाय नौकर लेकर आ जाएगा बेटी। नहीं पापा, कल रात से अब तक दो बार इन्होंने मुझे अपने हाथ से चाय पिलाई है, अब मैं पिलाऊंगी। कल रात से? हाँ पापा, एक्सीडेंट कल शाम को हुआ था, रात भर में विजय के घर में थी, मैं आती हूँ। हाँ तो मुझे चाय बनानी है। आप? शट अप। ये क्या है? तुमने हमारी बेटी की मदद की, ये तुम्हारा इनाम। मैंने अपना फर्ज निभाया चौधरी साहब। लेकिन हम इसे एहसान मानते हैं, और किसी का एहसान रखने की हमारी आदत नहीं है। दान लेने की इन हाथों को भी आदत नहीं है चौधरी साहब। दौलत किसी चीज की कीमत हो सकती है, एहसान का बदला नहीं। एहसान का बदला देना चाहते हो तो मुंह से सिर्फ एक लफ्ज कह दीजिए, शुक्रिया। गरीब को सब कुछ मिल जाएगा। गुड डे। पापा विजय कहाँ है? चला गया बेटी। चला गया? हाँ जल्दी में था, काफी रफ्तार थी उसकी चाल में। आओ आरती। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं हूँ? माँ या तुलसी होती तो प्रीतम पुकारता नहीं। अजीब है तुम्हारा प्रीतम। बिल्कुल मेरी तरह है, गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकता और अच्छी बात पर अपना बना लेता है। तुम्हें मेरी कौन सी बात अच्छी लगी? अब तक तो एक भी नहीं। पहली मुलाकात में जो इडियट बोल दे वो लड़की किस लड़के को अच्छी लग सकती है? इडियट। मुझे राइडिंग सीखना है, सिखाओगे ना? देखो राइडिंग एक आर्ट है, एक कला है, और किसी भी आर्ट या कला को सीखने के लिए उसकी एबीसीडी जानना बहुत जरूरी है। तुम जो बताओगे मैं वही करूंगी। देखो घोड़ा बहुत ही सेंटिमेंटल, जज्बाती होता है, अगर वो राजी ना हो
तो उस पर कोई भी राजी नहीं कर सकता। उसको राजी करने का तरीका क्या है? सिर्फ एक, प्यार। सबसे पहले घोड़े के पास जाना चाहिए, फिर प्यार से उसका नाम पुकारना चाहिए, उसे थपथपाओ, उसे सहलाओ और उसे प्यार करो। ये क्या करते हो? क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ नहीं, चलो तुम इस पर सवार हो जाओ, मैं तुम्हें सिखाता हूं। कैसी हो तुलसी? मैं तो ठीक हूँ। तुलसी, अच्छा हो गया तू आ गई। माँ से कहना मैं देर से आ रहा हूँ खाने पर। लेकिन तुम जा कहाँ रहे हो? आरती को राइडिंग सिखाने। ओ, ये क्या? कमीशन। कुछ बताने का, कुछ ना बताने का। तुलसी, तो अपने भाई को बहुत ज्यादा ही काटती है। झूठ भी तो बोलना पड़ता है ना। देख लो मैं। भैया, आरती को कसकर पकड़ रखना, कहीं सिखाते सिखाते गिर ना जाओ। तुम्हारी लगाम अब उसके हाथ में है ना। चल प्रीतम, कम ऑन। आप डाकू के जो घोड़े पुलिस के हाथ लगे हैं, उनमें से एक पर ये निशान था। बात खत्म करने से पहले रुका मत करो। अरे, तब निशान उस अस्तबल का, जहाँ ये घोड़ा पाला गया है। इंक्वायरी से पता चला है कि उस अस्तबल का मालिक है विजय। विजय की तो ऐसे की तैसे। मिस्टर, कौन हो तुम? अबे ओ, इस फार्म का मालिक विजय तुम हो? किसी के यहाँ इस तरह आने का ढंग बदतमीजी कहलाता है। क्या तुम हर घोड़े पर इस तरह का वी मार्क लगाते हो? पहले मेरे सवाल का जवाब दो, कौन हो तुम? जो पूछ रहा हूँ उसका ठीक ठीक जवाब दो, वरना ऐसे की तैसे कर दूंगा। अगर तुमने मेरे सवाल का जवाब एक मिनट में नहीं दिया तो मैं ये मार्क तुम्हारे थोबड़े पर लगा दूंगा, और यकीन मानो मरते दम तक छूटेगा नहीं। अबे ओ लौंडे, जबान संभाल कर बोल साले। निकल जा यहाँ से, वरना तेरी माँ ये सोचेगी कि उसके बेटे के मुंह में जुबान थी या वो गूंगा पैदा हुआ था। और जिस बात को जानने हम आए हैं, अगर वो बात साबित हो गई बेटे, तो एसएसपी सूरज सिंह तेरे सारे खानदान को गूंगा करके रख देगा। हमें अपना कार्ड दिखाने की आदत नहीं, लेकिन तुम जैसे घोड़े का मुंह बंद करने के लिए दिखाना जरूरी है। मैं एक फौजी का बेटा हूं अफसर, कानून की इज्जत करना जानता हूं, लेकिन कोई पुलिस वाला मेरे सामने इस तरह आए, ये मुझे पसंद नहीं। मैं तुम्हारी पसंद या नापसंद जानने नहीं आया, सिर्फ ये पूछने आया हूं कि तुम हर घोड़े पे वी का मार्क लगाते हो या नहीं। हाँ, लेकिन इससे पुलिस का क्या मतलब है? कुछ दिन पहले सोनापुर गांव में डाका पड़ा था। पुलिस की मुठभेड़ में जो डाकू मारे गए थे, उनके बहुत सारे घोड़े पुलिस के हाथ लगे, और उनमें से एक घोड़े पे ये वी की मुहर लगी हुई थी। क्या ये चीज इस बात को साबित नहीं करती कि तुम डाकू को घोड़ा सप्लाई करते हो? मेरा काम है घोड़ों को पालना और जाकर बाजार में बेचना। मुझे क्या पता खरीदार डाकू है या साहूकार। अगर इस पॉइंट का हमने ख्याल नहीं रखा होता बरखुरदार, तो हम यहां इंक्वायरी करने नहीं बल्कि तुम्हें गिरफ्तार करने आए होते। लेकिन इतना याद रखना, हम यहां से मुतमईन होकर नहीं जा रहे। जिस दिन भी मुझे पता चला कि तुम्हारा डाकुओं के साथ कोई साठ गांठ है, तो उस दिन तुम्हारी ऐसी की तहसी।
शुक्रिया दोस्त। इस पागल पुलिस वाले के चक्कर में हम तो भूल ही गए थे कि आरती हमारा इंतजार करती होगी। आरती, आरती क्या हुआ? हो सके तो मुझे माफ कर देना। माफ कर देना? मैं कुछ समझा नहीं, हुआ क्या? पापा ने मेरी शादी पक्की कर दी है। क्या? मैं जानती हूँ तुम मुझे सच्चा प्यार करते हो, लेकिन साफ साफ बताओ बात क्या है तुम्हें मेरे? कसम मत देना, मैं बताती हूँ। वो मेरे बचपन का साथी है, मेरे साथ खेला बड़ा हुआ। पापा कहते हैं बचपन का साथी ही जिंदगी का सच्चा साथी बन सकता है। पापा कहते हैं, तुम क्या कहती हो? मैं मजबूर हूँ विजय, साजन का दिल नहीं तोड़ सकती। साजन? मेरे साथी का नाम है। मैं ये नहीं कहूंगा कि अपने साजन का दिल तोड़ दो, सिर्फ इतना पूछूंगा कि अगर तेरी जिंदगी में एक साजन था तो मुझे जिंदगी के सपने क्यों दिखाए? अरे बेवफा, तेरे पास इज्जत दौलत प्यार सब कुछ था, फिर इस गरीब के अरमानों को खिलाना क्यों बनाया? विजय मैं, दर्द गरीब की तकदीर होती है, मैं तो उसके सारे जी जाऊंगा, लेकिन तू तू बेदर्द, मैं तो तुझे बद्दुआ भी नहीं दे सकता। विजय रुको, विजय रुको, विजय मैं मजाक कर रही थी, तुम्हारी कसम मेरे साजन तुम हो, सिर्फ तुम।
हो ये जहां या वो जहां, तू है जहां मैं वही। कभी हम जुदा न होंगे। साजन आ जाओ, वादा ये प्यार में कभी हम जुदा न होंगे। आपका विजय जवान हो गया, अब उसके जिंदगी में एक खूबसूरत सी लड़की भी आ गई है। लड़की मुझे बहुत पसंद है। तेरा शुक्र है भगवान, लाख लाख शुक्र है। कहाँ गई थी? विजय से मिलने। हम जानना चाहते हैं क्यों। जी वो देखो बेटी, ऐसा कोई कदम नहीं उठाना जिसका जवाब ना दिया जा सके। आज के बाद तुम मुझसे मिलने कभी नहीं जाओगी। एक मिनट पापा, बेटी बाप के सवाल पर लाजवाब हुई थी, बात पर नहीं। विजय मुझे अच्छा लगता है, मैं उसे शादी करना चाहती हूँ। उस दो टके के घोड़े बेचने वाले के साथ, जिसके खानदान का हमें पता नहीं, जिसकी हैसियत का हमें पता नहीं। हैसियत इंसान के पेश उसके काम से नहीं जानी जाती। हैसियत जानी जाती है इंसान के अपने कैरेक्टर से, उसके खानदान से। और उसका खानदान देश की रक्षा करने वाली फौजी का खानदान है। उसमें अगर कोई खोट ढूंढता है तो मैं कहूंगी कि इस संसार में कोई खानदान ही नहीं है। बदतमीज! अगर तुम हमारी इकलौती बच्ची नहीं होती तो हम तुम्हारी जुबान काट कर फेंक देते। हाँ गंगुआ, मेरी अपनी बेटी, मेरी अपनी बेटी मेरे घर को बर्बाद करने पे तुली हुई है। ऐसी क्या बात है चौधरी? वो हरामजादा विजय उसे अपनी प्रेम जाल में फंस रहा है। तुम उसे बदला लेना चाहते थे ना, वो वक्त आ गया है गंगवा। जी हाँ चौधरी, समझो के विजय की उम्र भी तुम्हें लग गई। अगर दुश्मन जिंदा रहे तो गंगवा को नींद ही ना आए है। अब उस ढक्कन के को खत्म करके चैन की नींद सोऊंगा, चैन की। अबे ढक्कन के बड़ा फुदक रहा था कंगवा। नहीं, अरे नहीं, छोड़ मुझे, नहीं कंगवा, ढक्कन के निकल लो। अरे
वही गंगवा है ना जिससे तुम्हारा झगड़ा हुआ था? हाँ जी। बच गया, अब के हाथ में आया तो साले के ऐसे के तैसे कर दूंगा। खैर तुम आओ मेरे साथ। कहाँ लेकर जा रही हो भैया को? पुलिस वाला बनकर नहीं बल्कि दोस्त बनकर ले जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है विजय का डाकू के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। शुक्र है भगवान का। अब मैं आपके भाई को ले जा सकता हूँ? दोस्त बन के आपने खुद को भरोसे के काबिल बना लिया है। सूरज सिंह बहुत कम लोगों को अपना दोस्त बनाता है, और फिर सूरज सिंह को दोस्ती निभाने की बड़ी बुरी आदत है। Come on, my friend. उस पुलिस वाले से तो मैं बाद में निपटूंगा, पहले ये बतला कि तूने मेरी बंदूक हटाई कैसे ढक्कन के? बोल। ये हमारे पुराने साथी शेर सिंह का बेटा है। शेर सिंह का बेटा? हाँ सरदार, शेर सिंह की बीवी को मैं अच्छी तरह पहचानता हूँ। कौन है यह चूहा जिसे तुम शेर सिंह कह रहे हो? शेर सिंह वो है जो एक बार अगर जंगल में चला जाए तो शेर भी जंगल छोड़कर भाग जाए। गंगवा, फिलहाल विजय से बदला लेने की बात भूल जाओ। शेर सिंह के खानदान से बदला लेने के लिए ताकत की नहीं दिमाग की जरूरत पड़ेगी। सूरत सिंह ने दिलवाई अपनी हिफाजत के लिए। ये हिफाजत नहीं, ये तो सिर्फ मारना जानती है। उसे भी जिसने हिफाजत के लिए उठाई हो, और उसे भी जिसने मारने के लिए उठाई हो। ये अमदूद है बेटे, इंसान का बनाया हुआ इस युग का अमदूद। अगर गंगवा ने दोबारा हमला करने की कोशिश की तो मैं इस अमदूद से उसे परलोक पहुंचा दूंगा और कानून को अपने हाथ में लेकर डाकू बन जाएगा। मां, जो इसे दोबारा हाथ लगाया। जिस बंदूक ने आपको डाकू बना दिया था वही बंदूक आज आपके बेटे ने उठाई थी। सौतन बन के पति पत्नी के बीच आने वाले इस हत्यारण को आज तो माने बेटे के हाथों से छीन लिया, बार बार नहीं छीन सकेगी। आपके बिना आज तक जिंदगी का सफर तय किया है, पर अब कदम लड़खड़ाने लगे हैं। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। जेलर साहब। क्या बात है बहादुर सिंह? जेलर साहब, आज तक मुझे इस बात का एहसास नहीं हुआ था कि अपने बेटे अपनी बीवी के लिए भी मेरा कोई फर्ज बनता है। आज तक मैंने उनके लिए कुछ नहीं सोचा था, लेकिन आज ये खत पढ़कर मैं बहुत परेशान हूँ। आखिर क्या बात है, कुछ तो कहो। इसमें लिखा है कुछ लोग मेरे बेटे के जानी दुश्मन हो गए हैं, मेरे बेटे ने भी उनकी जान लेने की ठान ली है। इससे पहले कोई दुर्घटना हो जाए मुझे यहाँ से रिहा करवा दीजिए, मेरी सजा में कमी करवा दीजिए। जेलर साहब, मुझे यहाँ से जाने दीजिए, पर ना ऐसा ना हो कि बाप सजा काट के यहाँ से निकले और बेटा मुजरिम बन के यहाँ दाखिल हो। घबराओ नहीं बहादुर सिंह, मैं पूरी कोशिश करूंगा, और मुझे यकीन है कि तुम्हारे रिकॉर्ड को मद्देनजर रखते हुए तुम्हारी बाकी की सजा जरूर माफ कर दी जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जेलर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हुआ? कौन चीखा? देखिए ना माँ जी, तुलसी ने मुझे डरा दिया। अरे मैं तो तुमको आदत डाल रही हूँ, भैया ऐसी हरकतें हर वक्त करते रहते हैं। तुलसी। क्या मामी, होने वाली भाभी से भी मजाक नहीं कर सकती? अब तू मजाक मजाक करना बंद कर दे। दूसरे के घर जाएगी तो लोग क्या कहेंगे, मामी ने ये तालीम दी है। दूसरे के घर? हाँ, इसके रिश्ते की बात चल रही है, देखो क्या होता है, बैठो। अरे वाह, अब तो हम मजाक करेंगे तुलसी से। तुझे कहाँ है माँ जी? सूरज सिंह के साथ गया है, उसने कहा बाजार में घोड़े बेचने के बजाय पुलिस में घोड़े सप्लाई किया करे। पर तुम इस वक्त कैसे? आपको डैडी का मैसेज देना था, उन्होंने कहा कि आप शाम को घर आ जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। नमस्ते। जय
जानते हो हमने तुम्हें यहाँ किस लिए बुलाया है? जी, रिश्ते की बात करने। किसका रिश्ता? मेरे बेटे और आपकी बेटी का। लड़के लड़की के रिश्ते के लिए और कई रिश्तों का भी जुड़ना जरूरी होता है। अगर आप अपनी अमीरी और हमारे गरीबी की बात कर रहे हैं तो मैं कहूंगी दौलत आपके घर के गुलाम जरूर है, पर हम लोग भी भूखे नहीं रहते चौधरी साहब। मेहनत करके मेरा बेटा इतना जरूर कमा लेता है कि इज्जत के साथ अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सके। सिर्फ जिम्मेदारियां पूरा करने का नाम जिंदगी नहीं है। जिस छत के नीचे तुम इस वक्त खड़ी हो, तुम्हारे घर जैसे 10 घर बन सकते हैं यहाँ। चौधरी साहब, मैं उन औरतों में से नहीं हूँ जो अपने बेटे की मोहब्बत के लिए अमेरिकी चौकट पर गिर गिराए उससे भीख मांगे। आपने मुझे अगर ऐसी जली कटी बातें सुनाने के लिए बुलाया है तो बेहतर है मैं यहाँ से चली जाऊँ। जाने के लिए ही हमने तुम्हें यहाँ बुलाया है। इस घर से, हमारी बेटी की जिंदगी से और इस इलाके से भी। अगर ये मशवरा है तो मैं इसे आपकी नासमझी समझूंगी, और अगर ये धमकी है तो मैं इतना कहूंगी धोखे से भी कोई ऐसा गलत कदम मत उठाइएगा जिसके लिए आपको बाद में पछताना पड़ेगा। गंगा, अगर आप मेरा नाम जानते हैं तो शायद ये भी जानते होंगे कि मैं एक फौजी की पत्नी हूँ और मेरा बेटा एक फौजी का बेटा है। धौस में आकर डर जाने वाला खून हमारे खानदान की रगों में नहीं है। झूठ बोल रही हो तुम। जिस आदमी का खून तुम्हारे बेटे के रगों में दौड़ रहा है, जिसके नाम का सिंदूर तुमने अपने मांग में भर रखा है, उस आदमी का नाम क्या है? उसका असली पेशा क्या था? क्यों, क्या हुआ? अचानक ये तुम्हारी बोलती कैसे बंद हो गई? गला सूख रहा है, पानी मंगाऊं? नहीं तो सुनो, मैं बताता हूं। उस आदमी का नाम है शेर सिंह, डाकू शेर सिंह, जिसकी दहशत से लोग कांपते थे, जिसने कितने औरतों को बेवा बना दिया, कितने माओं की गोद सुनी कर दी और कितने बच्चों को यतीम करके सड़कों पे फेंक दिया। हाँ हाँ, मेरे पति डाकू थे। हालात ने उन्हें डाकू बनने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन उनकी आत्मा उनके शरीर में बहते हुए शरीर खून ने उनसे प्रायश्चित भी करवाया है। जिस प्रायश्चित से डाकू बाल्मीकि ऋषि बन गए, क्या उसी प्रायश्चित से मेरे पति समाज में एक शरीफ इंसान नहीं कहलाएंगे? सब किताबी बातें हैं गंगा, कहानियां हमने भी पढ़ी हैं वाल्मीकि की। सच्चाई तो यह है कि तुम डाकू शेर सिंह की पत्नी हो, और जब लोगों को इस बात का पता चलेगा तो जिल्लत और रुसवाई की आग तुम्हारी चारों तरफ फैल जाएगी। फौजी का बेटा चिल्ला चिल्ला कर अपनी इज्जत का डंका पीटने वाला तुम्हारा बेटा इस आग में झुलस जाएगा। लोगों के ताने उसे किसी से आंख मिलाने लायक नहीं छोड़ेंगे। और हाँ, होश में ना आने वाली जिस गर्म खून की तुम अभी बात कर रही थी, अगर वो खून खोल उठा तो तुम्हारा बेटा या तो अपने बाप की तरह दो चार का खून करके डाकू बन जाएगा या फिर आत्महत्या कर लेगा। तुम मेरे बेटी के लिए रिश्ता लेकर आई थी ना, पहले अपना और अपने पति का, समाज और अपने खानदान का, अपने बेटे और उसके बाप का रिश्ता तो ठीक करके आओ। हाँ, अगर ये सारे रिश्ते ठीक हो जाएं, तो मेरी बेटी के लिए रिश्ता लेकर जरूर आना। मेरे घर के चारों दरवाजे खुले रहेंगे तुम्हारे लिए। अगर नहीं तो अपने मनहूस बेटे को लेकर इस गांव से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़कर चली जाना, वरना मुझे डर है कहीं तुम्हारे बेटे का जिंदगी से रिश्ता ना टूट जाए। पापा, माँ जी रोती हुई क्यों चली गई? उनको अपने पुराने टूटे हुए रिश्ते याद आ गए। जरूर आपने कोई उल्टी सीधी बात की होगी। आरती, हम तुम्हारे पिता हैं। लाड़ प्यार का ये मतलब नहीं कि तुम बोलने की तमीज भी भूल जाओ। पापा, मैं माँ जी से। आरती, आज के बाद तुम इस घर के चौखट से बाहर कदम नहीं रखोगे। चलो ऊपर जाओ, चलो। खबरदार, आज के बाद इस घर से बाहर कदम रखा। अरे मामी, तुम आ गई? आ गई माँ। माँ माँ, तुलसी, मैं तुझे जान से मार दूंगा। किधर जा रही है? दरवाजा पकड़ के मार दूंगा। मामी, माँ, तू इसकी शादी जल्दी से करवा दे, बहुत शरारत करने लगे। माँ, मेरी शादी जल्दी करवा रहे हो ताकि तुम्हारी जल्दी हो जाए। बड़े होने की वजह से तुम्हारा नंबर पहले लगेगा, है ना मामी? तुम दोनों को बकबक करना है तो बाहर जाकर करो।
मुझे जरा अकेला छोड़ दो। क्या बात है माँ, तू इतनी चुप क्यों है? बोलना माँ, चौधरी साहब ने कोई उल्टी बात की क्या? तेरी कसम माँ, अगर उसने तेरा दिल दुखाया, कुछ बुरा कहा है, मैं उसकी जुबान खींच लूंगा। माँ कहा ना मेरे सर में दर्द है, तुम लोग बाहर जाओ। नहीं माँ, बाहर नहीं जाएंगे, तुझे मेरी कसम माँ, बोलना क्या हुआ माँ? नीचे। माँ तेरे आंख में आंसू? सच बोल माँ, वरना जला दूंगा उस चौधरी के घर को, खाक कर दूंगा उसकी अमीरी को। विजय, तू अपनी माँ को बहुत चाहता है ना? भगवान से भी ज्यादा माँ, लेकिन एक वचन देगा अपनी माँ को? माँ तू पहले वचन दे। हाँ मैं वचन देता हूँ माँ। तू तू आरती को भूल जा बेटी। ये क्या कह रही हो मामी? ठीक ही कह रही हूँ, वो अमीर बाप की बेटी है, सोने के पालने में पलकर बड़ी हुई है, उसके साथ अपने विजय का क्या मेल? अगर दौलत ही हम दोनों के बीच में दीवार है तो मैं चौधरी से ज्यादा पैसे कमा के दिखाऊंगा माँ। कहाँ से लाएगा वो इज्जत, वो शान और शौकत जो उसके पास है, जानता है उसका खानदान कितना ऊंचा है? तो क्या एक फौजी का खानदान छोटा होता है माँ? फौजी फौजी फौजी, तेरे पिताजी फौज में थे, इतने सालों से उनका कोई पता ही नहीं। एक अकेली औरत जो पति के सहारे के बिना अपने बच्चे की परवरिश करे, दुनिया का कोई भी इंसान उसके तरफ उंगली उठा सकता है। लेकिन दुनिया जानती है वो मोर्चे पे जंग लड़ने गए थे माँ, दुश्मन की कैद में है, और ये सबूत मिलिट्री के फाइलों में होगा, सरकारी रिकॉर्ड में होगा माँ। और मैं दुनिया की जुबान बंद करने के लिए ये सबूत लाऊंगा, जरूर लाऊंगा माँ। कोई सबूत नहीं इस बात का, कोई सबूत नहीं। इसका मतलब तूने आज तक झूठ बोला? मेरा पिता फौज में नहीं कोई, कौन था मेरा बाप, क्या पेशा था उसका? बोल माँ, किसने तेरी मांग में सिंदूर भरकर तुझे बेसहारा छोड़ दिया और चला गया? कौन है जिसका खून मेरी रगों में दौड़ रहा है, जिसने तुझे खून के आंसू बहाने पर मजबूर किया है? कौन है जिसके नाम की तू आज तक पूजा करती है, जिसने तुझे जमाने के सामने गाली बनाकर रख दिया है? मैं उसका खून पी जाऊंगा माँ, माँ मुझे बोल उस दलील का नाम, बोल। खबरदार जो एक लफ्ज भी उनके खिलाफ अपने मुंह से निकाला, तेरे लिए इतना ही काफी है कि तेरी माँ उनके नाम के सहारे जीती है और एक दिन उनके नाम के साथ मर जाएगी। जिस नाम की वजह से तू आज शर्मिंदा हो गई, जिस नाम की वजह से मेरा प्यार बर्बाद हो गया, आज के बाद मैं उस नाम को मेरी जिंदगी की किताब से काट दूंगा। मेरा बाप मेरे लिए मर चुका है। विजय कौन? कौन है, क्या चाहिए? प्यासा हूं मैं। अभी लाई पानी।
लग जाए क्यों हमकी आग, मिलने से पहले बिछड़ जाए हम क्यों बनके निकलने के बाद घर पहुंचने तक कितने सपने देखे थे मैंने। मैंने सोचा था अपना विजय मुझे देखेगा तो बाबा कहकर मेरे सीने से लग जाएगा, लेकिन लगता है मेरी जिंदगी की जंग अभी खत्म नहीं हुई। कब खत्म होगी ये जंग, कब खत्म होगा ये बिछड़ना? शायद मेरे गुनाहों की सजा भी पूरी नहीं हुई, लेकिन तू चिंता मत कर। देख, मैं आ गया हूं ना, अब मैं जीऊंगा, तेरे लिए जीऊंगा, अपने बेटे के लिए जीऊंगा, तुलसी के लिए जीऊंगा, अब सबके लिए सब कुछ करूंगा। विजय आरती से बहुत प्यार करता है, मगर आरती का बाप रजामंद नहीं हो रहा ना। हिम्मत मत हारो, मैं आ गया हूं, अब कोई उनकी तरफ उंगली उठाकर नहीं देखेगा। मैं विजय की हर खुशी पूरी करूंगा। हाँ गंगा, हाँ गंगा, गंगा तुम जाओ, तुम घर जाओ, कोई देख लेगा। विजय, एक वचन देगा मां को? क्या? आरती को मेरी बहू बना दे। मां, ये तो क्या कह रही है, तूने तो कसम दी थी कि। विजय, तेरे प्यार के बीच में अब कोई नहीं आएगा, मेरी कसम भी नहीं। मैं आरती को मिल के आता हूं। हाँ मैं आरती से मिलना चाहता हूँ। आप आरती जी से नहीं मिल सकते। क्यों? क्योंकि आरती खुद तुमसे मिलना नहीं चाहती। ये आरती की मर्जी नहीं, आपकी मर्जी है चौधरी साहब, और अब वही होगा जो हम चाहें। इससे पहले कि तुम्हारी माँ का इकलौता सहारा छिन जाए, चुपचाप चले जाओ। उसी माँ के हुक्म से मैं आया हूँ चौधरी साहब, और आरती को मिले बिना मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, तुम अभी उससे मिलोगे। विजय तुमसे मिलने आया है। ठहरो, जीवा उसे निशाने पर रखेगा। तुम उसे जाकर सिर्फ ये कहोगी कि तुम उसे मिलना नहीं चाहती। उसके आगे तुमने एक लफ्ज भी कहा तो उसकी लाश गिरा दी जाएगी।
चली जाओ यहाँ से, मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती। आरती, आरती ये तुम क्या कह रही हो आरती? जो मैं कह रही हूँ वही सच है, चले जाओ और फिर कभी मत आना। सुनो आरती, अब कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं, तुम जा सकते हो। आजा रे साजन, आजा रे साजन, आजा रे साजन, साजन। Thank you.
कभी हम जुदा न होंगे साजन आजा रे साजन आजा रे प्यारी है तो चला जाए यहां से। इससे पहले कि मेरा खून खोल जाए तुम सब चले जाओ यहां से। घबराने की बात नहीं, मामूली जख्म है, हल्दी गर्म करके लगा दीजिए। आइए अंदर आइए। भैया क्या हुआ? भैया को तुलसी जल्दी जा हल्दी गर्म करके ला। सुनिए आप कहाँ जा रहे हैं? मैं इन जख्मों का हिसाब चुकाने जा रहा हूँ। मेरे जख्मों का हिसाब चुकाएगा ये आदमी। कौन है सर? भैरव सिंह, शेर सिंह का पुराना साथी। हर पुलिस स्टेशन में इसकी तस्वीर भेज दो, मुझे आदमी जिंदा चाहिए। सर विजय को चौधरी के आदमी ने बहुत मारा। क्या बकते हो? आप तो जानते हैं सर चौधरी साहब कितने बड़े आदमी है, ऊपर वालों से दोस्ती है, इसीलिए किसी ने कंप्लेन नहीं की। चौधरी की ऐसी की तैसी। चौधरी ओ चौधरी। कौन है? मैं
शेर सिंह, बरसों बाद तुम्हें देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है इसका अंदाजा तुम नहीं लगा सकते। जिन पापों की याद से पीछा छुड़ाने के लिए हमने 14 साल पश्चाताप किया, उसका एक नमूना आज सामने देख लेने से हमें कितना दुख हो रहा है इसका अंदाजा तुम नहीं लगा सकते दौलत सिंह। यहां लोग हमें चौधरी साहब के नाम से जानते हैं। अच्छा, और मुझे भी लोग बहादुर सिंह के नाम से पुकारते हैं, मगर हम दोनों के पुकारे जाने में एक फर्क है। तुम्हारा 14 साल का पश्चाताप इस बात का सबूत है कि तुम डाकू शेर सिंह थे जिसने अपना नाम बदलकर बहादुर सिंह रख लिया है, लेकिन मेरा ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं कि मैं दौलत सिंह था या हूं। अगर तुमने मेरी बात मान ली होती और अपने आप को कानून के हवाले न किया होता तो आज मेरी तरह तुम भी इज्जत का चोला पहनकर शान की जिंदगी बसर कर रहे होते। तुमने अपने कपड़ों को उजला किया है दौलत सिंह, बल्कि यूं कहो कि दौलत की चादर से तुमने अपने गुनाहों को ढांप लिया है, लेकिन मैंने अपने पश्चाताप से अपनी आत्मा को उजला किया है, अपनी आत्मा को जगाया है। इधर देख, ये खून देख रहे हो, ये खून मेरे बेटे का है। आज से कुछ साल पहले ऐसा ही खून मैंने अपनी मां का देखा था, अपने बाप का देखा था, अपनी बहन और अपने बहनों का देखा था। उस दिन वो खून देखकर मेरा खून खौल उठा था, मैंने खून की नदियां बहा दी थी। आज भी मैं खून की नदियां बहा सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि 14 साल की इस तपस्या ने मुझे इतना सिखाया है कि बदले की भावना का कोई अंत नहीं होता, कोई अंत नहीं होता। अगर मैं कहूं कि ये तुम्हारी बुजदिली है तो? अरे पूजा कर इस बुजदिली की, जिसकी वजह से तू, तेरे साथी, तेरा ये घर बच गया, वरना मेरे गुस्से का कहर तुम सबको जलाकर खत्म कर देता। और एक बात और सुन लो दौलत सिंह, मेरा बेटा मुझे जान से ज्यादा प्यारा है। किसी ने उसके प्यार के बीच में आने की कोशिश की, मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। धमकी मैं भी दे सकता हूँ शेर, तुम धमकी नहीं दे सकते। क्यों भूल रहे हो कि हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं। तुम्हारे एहसानों की जिस लक्ष्मण रेखा ने 14 साल तक मेरी जबान को बंद रखा, वो जबान खुल भी सकती है, और जिस दिन वो जबान खुल गई ना, कश्ती पलट जाएगी। तू मेरा तो, क्योंकि पश्चाताप ने मुझे तैरना सिखा दिया है। जनाब चौधरी साहब। आइए आइए मिस्टर सूरज, वेलकम। जानता हूं इस इलाके के बड़े बड़े अफसर आपके दोस्त हैं। ठीक जाना है आपने, पुलिस वालों से मुझे खास लगाव है। लेकिन आज तक आपने सिर्फ दोस्त पुलिस वाले देखे हैं, आज से मैं आपका दुश्मन पुलिस वाला, और उन तमाम लोगों का जो मेरे इलाके में गैर कानूनी काम और गैर कानूनी हरकतें करते हैं। SSP सूरज सिंह, अपने इलाके में अमन और शांति कायम रखने के लिए जो सलूक एक मामूली जेब कतरे के साथ करता है, वही सलूक लखपति और करोड़पति आदमी के साथ भी करता है, भले ही उसकी दोस्ती कितने ही बड़े अफसर से क्यों ना हो, भले ही उसकी दोस्ती इस देश के प्रधानमंत्री से क्यों ना हो। यह बात आप अपने दोस्तों से कंफर्म कर सकते हैं। देखिए मिस्टर सूरज, मैं आपको वार्न करता हूं जनाब चौधरी साहब, कि आज के बाद अगर आपके आदमियों ने विजय को हाथ लगाने की कोशिश की तो सबसे पहले मैं उन आदमियों के हाथ तोड़कर आपके हाथ में दे दूंगा, और उसके बाद उन लोगों के साथ साथ आपको भी गिरफ्तार कर लूंगा। हमने सुना था कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन आज पता चला कि सिर्फ उनकी जुबान लंबी होती है। जनाब चौधरी साहब, अगर जुबान की लंबाई देखनी हो तो सिर्फ एक बार एक छोटा सा गैर कानूनी काम करके देखो,
ऐसी की तैसी। मामी। हाँ, वो जो भैया को लेकर आए थे मामा जी थे ना? तुझे कैसे पता? आज तक आपने किसी से उस तरह से बात नहीं की जिस तरह उनसे कर रही थी। वो घर में क्यों नहीं रहते? रहने के लिए आए थे, पर बेटे के दिल में बाप के लिए नफरत की आग देखकर पानी से प्यास बुझाकर चले गए। लेकिन वो अब तक थे कहाँ? जेल में। ना जाने हमारी हंसती खेलती दुनिया को किसकी नजर लग गई। तुलसी, तेरे मामा पहले फौज में थे, पर एक दिन ठाकुर और उसके कुछ लोगों ने उनकी पहल की। उनकी सजा तो पूरी हो गई, पर मेरी सजा आज तक पूरी नहीं हुई। पति का धर्म है पति की सेवा करना, मैं वो नहीं कर सकती। माँ का धर्म है बेटे को बाप से मिलाना, मैं वो भी नहीं कर सकती। माँ, विजय, तुम कब जागे? जब तुम पिताजी के बारे में बता रही थी माँ। विजय, वो मुझे गर्व है माँ कि मैं उन जैसे बाप का बेटा हूँ। माँ, जिस देवता की तू इतनी पूजा करती है उसके चमत्कार तो तूने बता दिए। इतना बता दे कि बेटा अपने बाप से माफी कैसे मांगे? बस बेटा, बाबा कहकर पुकार लेना, वो तुझे सीने से लगा लेंगे। बाबा, बाबा, अरे बेटे, फिर से बोल क्या कहा? पापा, अरे बेटे, ये शब्द सुनने के लिए तो बरसों से मेरे कान बेचैन थे। बाबा, मैंने ठीक ही कहा था। बच्चे, बाबा कह के पुकारना, तुम्हें गले से लगा लेंगे। विजय, उस दिन तेरी बातें सुन के लगा था तो अब जिंदगी में कभी मुझे नहीं अपनाएगा, कभी मुझे बाबा नहीं कहेगा। मुझे माफ कर दो बाबा। माफ तो तुम मुझे कर दे बेटे, क्योंकि इतने बरस तुम लोगों को अपने से दूर रखा, लेकिन अब कभी अपने से दूर नहीं करूंगा। पापा, कभी अपने से दूर नहीं करूंगा बेटे। पापा, तुलसी, नाराज मत होना बेटे, तुम्हें पूछे बगैर मैंने तुम्हारी मंगनी तय कर ली, पसंद है ना? माँ, ऐसी नेक सुशील और खानदानी लड़की किसे पसंद नहीं है। मैंने परसों तुम्हारी मंगनी रखी। परसों? लेकिन एक दो रोज मैं घर नहीं आ सकूंगा माँ। क्यों? सुना है भैरव सिंह उसके साथी मानपुर गांव पे हमला करने वाले हैं। मुझे आशीर्वाद दो माँ कि मैं उसे गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाऊं। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है बेटी, अगर अपनी मंगनी पे तुम्हारा नहीं। माँ, एक बार शेर सिंह मेरे हाथ लग जाए उसके बाद मंगनी क्या, मैं शादी भी कर लूंगा। एसएसपी ने भैरव को बहुत मारा है, कहीं वो अपनी जुबान न खोल दे। इससे पहले कि वो अपनी जुबान खोले, हम अपने दुश्मनों की खोपड़ियां खोल देंगे। सिर्फ हमारी बेटी की शादी हो जाए बस। आरती जी की शादी? किससे? शहर में एक मिल मालिक के बेटे के साथ बात तय करके आया हूं, कल रात को उसे वहीं ले जाएंगे और उसकी शादी करवा देंगे।
आरती, क्या बात है आरती इतनी रात को इस वक्त? आज इतनी रात को ना आती तो ये रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात बन जाती। ये तो क्या कह रही है? चारी किसी और से मेरी शादी करना चाहते हैं। कल ही? ऐसा कभी नहीं हो सकता आरती। मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चलो विजय, इतनी दूर जहाँ तक डैडी का नाम ना पहुँच सके। वो तो ठीक है आरती, पर इस तरह भाग जाना? इसके सिवा कोई चारा नहीं विजय, मुझे सहारा दे दो वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। आरती, चलो कल तेरी बहन की सगाई है विजय, और जिस बहन का भाई लड़की को भगा कर ले जाए उस घर में बारात नहीं आती बेटे, उस घर में बदनामी आती है। हाँ सब सुन लिया है, आरती इस घर में जरूर आएगी लेकिन बहन बाजे के साथ। लेकिन मेरे डैडी ऐसा नहीं होने देंगे। तुम्हारे डैडी वही करेंगे जो मैं चाहूंगा। हराम खोर, आरती जी घर से गायब कैसे हो गई? जीवा, हम जानते हैं तुम हमारे वफादार हो, लेकिन इज्जतदार घरों का धुआं भी बाहर नहीं जाना चाहिए। धुएं से इतना ही डर लगता है, आग को जलने ही मत दो, खासतौर पर मोहब्बत की आग को। तुम यहां कैसे आ गए? कैसे आया? तुम्हारे घर की इज्जत को वापस करने। आरती अंदर आओ। इतनी रात को तू कहां गई थी? विजय के पास। बेशर्म! प्यार करने वालों पे हाथ नहीं उठाते चौधरी। ये मेरे बेटे की पसंद है। कौन कहता है? मैं कहती हूँ। आरती, मैं इनके बेटे से शादी करना चाहती हूँ। मेरे चीते जी ये कभी नहीं हो सकता। बाप के आशीर्वाद बिना ये शादी नहीं हो सकती चौधरी, इसलिए तुम्हारा जिंदा रहना बहुत जरूरी है। औलाद के अच्छे बुरे का फैसला उसके माँ बाप करते हैं। फैसला करने वाले आप और हम कौन हैं? फैसला तो इन दो प्यार भरे दिलों ने कर लिया है जो एक दूसरे को चाहते हैं। एक बात सुन लो चौधरी, जब तक मैं विजय की बारात लेकर नहीं आ जाता तब तक आरती तुम्हारे पास हमारी अमानत है। एक पुराना दोस्त होने के नाते ये भरोसा लेकर मैं यहां से जा रहा हूं। अरे हाँ, ये बताना तो मैं भूल ही गया, कल हमारी तुलसी की मंगनी है। मैं जानता हूं आप वहां नहीं आए, लेकिन आरती का वहां आना बहुत जरूरी है। उम्मीद है निराश नहीं करें। नहीं, प्यार से है दुनिया।
कभी लुटा नहीं, अरे प्यार कभी मिटा नहीं, जितना दिया और बढ़ा, प्यार कभी घटा नहीं, प्यार कभी लुटा नहीं, ओ प्यार कभी अरे मिटा नहीं, जितना दिया और बढ़ा, प्यार कभी घटा नहीं, कुछ नहीं पति है। ये मेरे पति का कातिल है, डाकू शेर सिंह। डाकू शेर सिंह, मैं शेर सिंह था बहन जी, मुझे खबरदार जो अपनी गंदी जबान से मुझे बहन कहा, तो तुमने मेरी माँ का सिंदूर मिटाया है, तुमने मेरे बेटे के सर से उसके बाप का साया छीना है, अब इस घर से तेरी तुलसी की डोली नहीं, तेरी अर्थी जाएगी शेर सिंह। चाहिए, एक बार मेरी बात सुन लीजिए, इतना बड़ा जुल्म मत कीजिए बहन जी, तरस खाइए उस पर, देखिए ये तुलसी की जिंदगी का सवाल है, वो बिन माँ बाप की बच्ची है जी, वो यतीम है, उसकी जिंदगी का ख्याल कीजिए, जो सलाह देनी है मुझे दे लीजिए, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, भगवान के लिए रुक जाइए, रुक जाइए। तेज चला। शेर सिंह के पते के सिवा तेरे मुंह से कुछ भी और निकलो तो मैं तेरी हलक में हाथ डालकर जुबान खींचूंगा। बोल। मैं जानता हूं वो जेल में है, वो जेल से भाग चुका है यू ब्लास्टर। फिर मुझे नहीं मालूम वो कहां है, कसम से मुझे नहीं मालूम है। मुझे हर उस आदमी का नाम पता बता जो उसके साथ डाके डालता था, शेर सिंह जरूर उनसे मिला होगा। ऐसा सिर्फ एक आदमी है, हमारा असली सरदार चौधरी। चौधरी सूरज, सूरज बेटे। क्या बात है माँ? शेर सिंह मिल गया। कहाँ है वो हरामजादा? शेर सिंह कहाँ छुपा है बुजदिल, सामने आ। शेर सिंह कहाँ है? वो घर में नहीं है। सच कहा था आपने, बड़ी बुरी तरह दोस्ती निभा रहे हैं। दुश्मनी निभाने की कसम हमने दोस्ती से पहले खाई थी, और दुश्मनी निभाने की आदत हमें उससे भी बुरी है। जो कुछ भी हुआ मुझे उसका बेहद अफसोस है, पुरानी बातों को भूल जाने में ही हम सबकी भलाई है। अफसोस तो मुझे है कि आपके सहारे शेर सिंह की मौत मेरे हाथों लिखी। सूरज सिंह, मैं अपने पति को अच्छी तरह जानती हूँ, तुम अपनी माँ के एकलौते बेटे हो, मुझे डर है कहीं वो बेसहारा ना हो जाए। ये तो वक्त ही बताएगा, ऐसी की तैसी। तुम क्या कर रहे हो? आखिर मेरा कसूर क्या? तेरा कसूर यह है कि तुम्हारे बाप के कातिल का बेटा है। ये तुम क्या कह रहे हो? मेरे डर से वो बुजदिल कहीं छुप गया है, तुझे छुड़ाने वो जरूर आएगा, और मैं उसके खून से अपने बदले की प्यास बुझाऊंगा। मैं तुम्हारा दुख अच्छी तरह समझ सकता हूँ सूरज, लेकिन उस वक्त मेरे पिता डाकू थे, उस भूल की सजा वो भुगत चुका है सूरज। शेर सिंह की सजा उस वक्त खत्म होगी
जब वो मेरे हाथों मारा जाएगा। सूरज, सूरज, सूरज! सूरज सिंह, जिसे देखने के लिए तुम मेरी मिन्नत ही किया करते थे, मुझसे झगड़े किया करते थे, आज मैं उसी आदमी को तुमसे मिलाने के लिए लाया हूं। कहां है वो भगवान का अवतार? मैं भी बुलाता हूं। एक मिनट जनरल साहब, एक मिनट। जिस आदमी की वजह से सब कुछ है, आज वो देवता इस घर में पैदल चलकर आ रहा है। मां, अपना पवित्र शॉल मुझे दे दो। उस देवता का स्वागत करने से बड़ी चीज और कुछ नहीं हो सकता। नहीं सूरज सिंह, मां की चादर पर चलने का अधिकार तो भगवान को भी नहीं दिया जा सकता। फिर मैं उस देवता को अपनी श्रद्धा कैसे दिखाऊं? जलर साहब, कैसे दिखाऊं? मैं एक काम करता हूं, मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूं, आप उस देवता को मेरे सामने ले आइए, मैं उसके चरणों के धूल अपने माथे पर लगाकर उसका स्वागत करूंगा। मैं उसकी आरती उतारूंगी। मेरी तकदीर बनाने वाले, आज हम जो कुछ भी हैं सिर्फ तुम्हारी वजह से हैं। अगर तुम नहीं होते तो आज हम दर दर की ठोकरें खा रहे होते। शेर सिंह, साहब ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं, सच्चाई है सूरज सिंह। यही है वो माली जिसने अपनी मेहनत से तुम्हारी जिंदगी के बाग को सींचा है। नहीं 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 नहीं, मैं इन बातों को नहीं मानती। ये हत्यारा है, राक्षस है, मेरे पति का कातिल है। सूरज बेटे, सोच कर रहे हो? खत्म कर दो इस आदमी को। कैसे उठाऊं इन हाथों को मां, कैसे उठाऊं? जितनी नफरत मुझे अपने बाप के कातिल से है, उतनी ही मोहब्बत मुझे अपने सहारा देने वाले से भी है। मोहब्बत भी मेरी, नफरत भी मेरी। किसको खत्म करूं, किसको खत्म करूं, किसको खत्म करूं? अर्जुन ने इंसाफ के लिए अपनों पर हाथ उठाया था, तुम एहसान की बंदिश में बंध रहे हो। तेरे पिता की आत्मा शांति चाहती है, तेरी माँ अपने दूध का हक मांग रही है। अगर तू कायर नहीं है तो चुका दे इस हक को बेटे, चुका दे। शेर सिंह, तुम मेरे हाथों बच नहीं सकता। जज साहब, शेर सिंह, याद कीजिए वो दिन जिस दिन मैंने चीख चीख कर आपसे इल्तिजा की थी कि मुझे मौत की सजा दीजिए, लेकिन आपने मुझे उम्र कैद की सजा दी। ये कहकर कि जिस दिन जेल की जिंदगी काटने के बाद मैं एक शरीफ नागरिक कहलाऊंगा, तो उन लोगों के लिए एक मिसाल बन जाऊंगा जो जुर्म की दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं, और उन लोगों के लिए भी जो जुर्म की दुनिया से निकलना चाहते। लेकिन जज साहब, आज जब मैं एक शरीफ नागरिक की जिंदगी बसर कर रहा हूं, आपके कानून का एक रखवाला मुझे फिर उस मोड़ पर ले जाएगा जिस मोड़ से एक फौजी डाकू शेर सिंह बना था। कौन है वो? एसएसपी सूरज सिंह, जिसने कानून की वर्दी का नाजायज फायदा उठाते हुए मेरे बेटे विजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। यही नहीं, उसने मुझे भी जान से मारने की सौगंध खाई है। उसे उसकी मौत से बचा लीजिए जज साहब, वरना नफरत की वो चिंगारी जिसे 14 साल की तपस्या ने खत्म कर दिया था, अगर भड़क उठे तो सूरज सिंह के घर से लेकर इंसाफ के मंदिर तक आग ही आग नजर आएगी। शेर सिंह के इंतकाम की आग। अदालत बर्खास्त होने से पहले एसएसपी सूरज सिंह को अदालत में पेश किया जाए। गीता पे हाथ रख के सौगंध खाइए, जो कहूंगा सच कहूंगा। मैं सिर्फ सच ही कहूंगा। एसएसपी सूरज सिंह, तुमने शेर सिंह के बेटे को गिरफ्तार कर रखा है? जी। किस जुर्म में? मैंने उसे इसलिए गिरफ्तार किया था ताकि अपने बेटे के लिए बेचैन होकर शेर सिंह मेरे सामने आ जाए। तुम ऐसा क्यों चाहते थे? क्योंकि मैं इसे जान से मारना चाहता। तुम इसे क्यों मारना चाहते हो? क्योंकि इसने मुझे यतीम किया है, मेरी मां का सुहाग उजाड़ा है। मेरा बाप इसे जिंदगी देने जा रहा था और इसने उसे मौत के घाट उतार दिया। यह बात कब की है?
आज से 15 साल पहले की। उस वक्त ये शेर सिंह डाकू था, लेकिन आज ये अपने पिछले जुर्मों की सजा भुग चुका है। इसके सजा भुगतने से वो जख्म नहीं भरा यो ऑनर, जो बाप की मौत से मेरे दिल पे लगा था। मेरी माँ की वो ख्वाहिश पूरी नहीं हुई जो पति की लाश को देखकर इसके दिल में जगी थी। वो सौगंध पूरी नहीं हुई जो मैंने अपने बाप की चिता पे खाई थी। तुम एक पुलिस ऑफिसर हो, तुम्हें कानून के फैसले का एहतराम करना चाहिए। इस मुकाम पे मैं कानून का नहीं जज्बात का एहतराम करता हूँ ऑनर। तुम झूठ बोल रहे हो सूरज सिंह। जिस इंसान ने लगातार 14 साल तक अपनी मेहनत की कमाई तुम्हें भेजी हो, जिसकी वजह से आज पढ़ लिख कर तुम एक जिम्मेदार इंसान बने हो, जिसे तुमने पूरी जिंदगी अपना मोहसिन अपना भगवान माना हो, अगर उस इंसान के लिए तुम्हारे दिल में इज्जत नहीं है तो तुम्हारी ये सारी बातें, तुम्हारे ये सारे जज्बात झूठे। जला साहब, योर ऑनर, मैं मानता हूं कि शेर सिंह ने डाकू बनकर सैकड़ों खून किए, हजारों घरों को लूटा, लेकिन सूरज सिंह के बाप की मौत इसकी जिंदगी के लिए एक नया रास्ता बन गई। उस बेगुनाह की मौत ने इसे दरिंदे से इंसान बना दिया। यहां तक योर ऑनर कि इसकी अपनी पत्नी अपना बेटा सड़कों पर धक्के खाते रहे और ये अपनी कमाई का एक एक पैसा सूरज सिंह को भेजता रहा, सिर्फ इसलिए कि सूरज सिंह जिंदगी में कुछ बन जाए। अब जरा ये सोचिए योर ऑनर, अगर शेर सिंह ऐसा ना करता तो आज सूरज सिंह की जगह शेर सिंह का बेटा वर्दी पहनकर ऑफिसर की तरह यहां पर खड़ा होता और सूरज सिंह अपनी मां के साथ सड़कों की खाक छान रहा होता। किसी के बाप को मारना, किसी का सुहाग उजाड़ने का बदला, अगर 14 साल अपनी कमाई भेजना है तो मुझे इजाजत दी जाए जज साहब शेर सिंह को मारने की। मैं भरी अदालत में वादा करता हूं कि मैं इसकी पत्नी और इसके बेटे को 40 सालों तक अपनी कमाई भेजता रहूंगा। जज साहब दे दीजिए इसे इजाजत, कर लेने दीजिए इसे अपनी हसरत पूरी। लेकिन एक बात सुन लो सूरज सिंह, अब तुम्हारा टकराव किसी शरीफ नागरिक से नहीं बल्कि उस 14 साल पुराने डाकू शेर सिंह से होगा, जिसके हाथ किसी का खून करते वक्त तामते नहीं थे। अरे 40 साल का दावा क्या करते हो, 40 मिनट में तुम्हारी चिता इस धरती पर जल्दी नजर आएगी। तू 40 मिनट की बात करता है शेर सिंह, मुझे अपनी कसम पूरी करने के लिए सिर्फ 40 सेकंड चाहिए। ऑर्डर, ऑर्डर। अदालत ने बहुत देर तक बहुत कुछ सुना और बर्दाश्त किया। SSP सूर्य सिंह, शेर सिंह ने तुम्हारे पिता का खून किया और तुम शेर सिंह का खून करोगे। शेर सिंह का बेटा तुम्हारा खून करेगा और तुम्हारा बेटा शेर सिंह के बेटे का। अगर संसार इसी कानून पे चलता होता तो अदालत को तुम्हारे जिस्म पर चढ़ी इस वर्दी की ना कोई जरूरत होती ना अहमियत। सूर्य सिंह, अदालत तुम्हें हुक्म देती है कि शेर सिंह के बेटे विजय सिंह को फौरन रिहा कर दो और जिस शेर सिंह को तुम कत्ल करना चाहते हो उसकी जान की हिफाजत के जिम्मेदार आज से तुम हो। ये क्या, तुम इस्तीफा दे रहे हो? सर, अदालत ने मुझे 2 हुक्म दिए थे। शेर सिंह के बेटे को तो मैंने छोड़ दिया है, लेकिन दूसरा हुक्म मैं नहीं मान सकता सर। यानी तुम शेर सिंह से बदला जरूर लोगे? मैं ऐसी कोई भी बात अपनी जुबान से नहीं कहना चाहता जिसकी बिना पर कानून मुझे गिरफ्तार करके जेल में डाल दे। सूरज सिंह, तुम आग से खेल रहे हो। आग ही आग है मेरे सीने में, आग ने मेरी परवरिश की है सर, इसलिए मेरी मां ने मेरा नाम चांद नहीं बल्कि सूरज रखा है। सूरज सिंह का नौकरी से इस्तीफा देना, उसकी शेर सिंह के साथ दुश्मनी, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। इस बात का फायदा उठाकर मैं आरती की जल्द से जल्द शादी कर देना चाहता हूँ। मेरी समझ में नहीं आता आप शेर सिंह से इतना डरते क्यों हैं? मैं शेर सिंह से नहीं अपनी बदनामी से डरता हूँ, कहीं उसने जुबान खोल दी तो मेरी ये शान शौकत इज्जत सब मिट्टी में मिल जाएगी। मैंने लड़के वालों से बात कर ली है, वो लोग मंदिर में शादी करके आरती को ले जाने के लिए तैयार हैं। तुम जाकर उनका स्वागत करो, मैं आरती को लेकर आता हूँ। मम्मा प्लीज, मैं शादी नहीं करूंगी। बदतमीज बंद करो बेटी, चलो। छोड़ दो मुझे। बंद करो ये रोना सारा। छोड़ दो मुझे। चलो बैठ जाओ। चुपचाप बैठे रहो। पापा प्लीज,
पंडित जी मंत्र शुरू। सतीना इंद्रो खबरदार, किसी ने होशियारी की तो इसकी जान चली जाएगी। आओ आरती। गोली आरती को लग जाएगी। पकड़ लो इनको। उतरो। सारे लोग एक मामूली से लड़के को नहीं पकड़ सके। पूरा गिरोह उन्हें ढूंढ रहा है, वो जल्दी पकड़े जाएंगे। किसी भी हालत में मुझे मेरी बेटी चाहिए, किसी भी हालत में। हाँ, अब शेर सिंह उसे मेरे पास लाएगा। गंगा, तुलसी, क्या ये सब क्या? गंगा, शेर सिंह, तुम्हारा बेटा मेरी बेटी को लेकर भाग गया है। अपनी पत्नी और भांजी की जिंदगी चाहते हो तो आरती को लेकर 8 बजे से पहले अड्डे पर पहुंच जाओ। तुम्हारा सौदा। और इसके साथ आरती नहीं थी? जी नहीं, वो अकेला था। इन दोनों को खत्म कर दूं सरदार? अभी नहीं, गंगवा आरती को लेकर आता होगा और शायद विजय के लिए इन दोनों की जरूरत पड़े। बस विजय, अब मुझसे नहीं चला जाता। घबराओ मत आरती, अब हम खतरे से बाहर हैं। छोकरी को झोंकी तसल्ली मत दे छोकरे, असली खतरा तो यहां से शुरू होता है। Mama ji.
जाओ शेर सिंह, वरना तुम्हारी पत्नी की जान चली जाएगी। चौधरी, मेरी गंगा के गले पे खराश भी आई ना, मैं तुझे चीर के रख दूंगा। अपने आप को मेरे आदमियों के हवाले कर दो, वरना तुम्हारी बीवी की गर्दन अलग कर दूंगा मैं। हरामजादे! शेर सिंह, अब मैं तेरी आंखों के सामने तेरे खानदान का नामो निशान मिटा दूंगा। ले जाओ इसे। ये बेहोश भी हमारे लिए खतरनाक है। तुम? हमने गोली रिवॉल्वर पे चलाई है चौधरी, तुम पे नहीं। इसका मतलब ये है कि हम यहां दोस्त बनकर आए हैं, दुश्मन बनकर नहीं। लेकिन हमारी दो शर्तें हैं चौधरी। शर्तें? पहली शर्त ये चौधरी कि अपने आदमियों से कह दो कि तुलसी के पास से हट जाएं, क्योंकि औरत की इज्जत पे हाथ डालने वालों को हम जिंदा नहीं छोड़ते। हट जा सब। और दूसरी शर्त, शेर सिंह को मारने की कसम हमने खाई है, उसे सिर्फ हम मारेंगे। तुम्हारी शर्तें मैं इसलिए मान लूं क्योंकि तुम्हारे पास 5 गोलियों वाला ये खिलौना है। इस खिलौने की ऐसी की तैसी चौधरी, मेरे पास ऐसा खिलौना है जो टूट गया तो तुम जीते जी मर जाओगे। क्या मतलब? आरती, आप और डाकू, शर्मा रही है मुझे आपको पापा कहते हुए। ये तुम्हें कहां से मिले? मैं शेर सिंह की तलाश में उसके घर पहुंचा, वहां तुम्हारी लिखी हुई चिट्ठी मिली। मुझे यकीन था कि शेर सिंह तुम तक जरूर पहुंचेगा। उसे वापस हासिल करने के लिए मैंने तुम्हारी बेटी को अपने कब्जे में कर लिया। सूरज सिंह, बदले की वजह से मेरे पति कैसे क्या बन गए, हमारे घर का सुख तबाह हो गया। तुम भी उसी रास्ते पे चलोगे तो तुम्हारी जिंदगी भी नरक बन जाएगी। सूरज सिंह का नरक क्या है और स्वर्ग क्या है, इसे सूरज सिंह अच्छी तरह जानता है। खबरदार, अपने अपने हथियार फेंक दो, वरना तुम्हारे सरदार का सर गुब्बारे की तरफ फाड़ कर रख दूंगा। फेंक दो। मैं ये चाल तेरी बेटी को निशाने पर लेके भी चल सकता था चौधरी, लेकिन तेरे तमाम आदमियों की वफादारी तुझसे है, तेरी बेटी से नहीं, इसलिए तुझे निशाने पे लेके चलना पड़ा। इसका मतलब शेर सिंह से तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है? मैं शेर सिंह का दुश्मन जरूर हूं, लेकिन कमीना नहीं। जो इन औरतों को मर जाने दूं और इन दो मासूमों के प्यार को बर्बाद होने दूं, मैं शेर सिंह को जरूर मारूंगा चौधरी, लेकिन इन सबको बचाने के बाद और तुम सबको मार डालने के बाद। अबे पुलिस वाले, मुझे जैसे ही पता चला कि विजय और आरती तेरे कब्जे में है, मैं तेरी मैया को ले आया। हैरान काय को लपक रहा ढक्कन के। शाबाश जियो गंगवा, आज के बाद लूट के माल के 3 हिस्से होंगे, एक हमारा, एक हमारे दोस्तों के लिए और तीसरा तुम्हारे लिए। जीवा, चौधरी जी मुझे हिसाब किताब में बहुत कमजोर लगते हैं,
चौधरी साहब, हिस्से तो होंगे सिर्फ दो, एक हमारे दोस्तों के लिए और दूसरा हमारे लिए, क्योंकि क्योंकि ये तुम्हारा होने वाला दामाद है। अबे ढक्कन का काय को फुदा करिया, एक डाकू की बेटी की शादी एक डाकू के साथ होगी या किसी कमिश्नर के लाउंडे के साथ, क्यों साथी हो? हराम जादो, तुम सब भी इस कुत्ते के साथ मिल गए। सरदार बनने का हक सिर्फ उसका होता है जो खुद अपनी जान पर खेले। जानता ढक्कन के, दुश्मन जिंदा रहे तो गंगवा को नींद ही ना आए है। आज तेरे पूरे खानदान की उम्र मुझे लग जाएगी, चुन चुन के मारूंगा एक एक को तेरी आंखों के सामने, और फिर तू देखेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, रहम की भीख मांगेगा और कहेगा, गंगवा जी इनको छोड़ दो, इनको माफ कर दो। लेकिन नहीं, गंगवा अपने दुश्मन को कभी माफ नहीं करे है। और फिर तेरी आंखों के सामने तेरी नन्नी मुन्नी प्यारी प्यारी माशूका के साथ इस खून का बदला मैं तेरे खून से लूंगा ढक्कन के। अरे कुत्ते, अगर मर्द का बच्चा तो मेरा हाथ सुन। मैं मर्द का बच्चा नहीं, शैतान का बच्चा हूँ। बंद हो इस हरामजादे को और होश में लाओ इसके बाप को। पुलिस वाला शेर सिंह, अब पासा पलट चुका है, हमने चौधरी की गद्दी छीन ली है और सरदार बनने की खुशी में हम कुछ तमाशा देखना चाहते हैं। इस पुलिस वाले ने बहुत डाकू मारे हैं और ये ढक्कन का तुम्हें भी मारना चाहता है। तुम्हारी बहादुरी के भी हमने बहुत किस्से सुने हैं, क्यों ना आज तुम दोनों में मुकाबला हो जाए। कुत्ते, वक्त का नाजायज फायदा मत उठाओ, सब जानते हैं मैं इस पे हाथ नहीं उठा सकता और ये भी जानता है कि मैं इस पे हाथ नहीं उठाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, अब एक ढक्कन के उधर देख। शेर सिंह, जब तक तुम दोनों के हाथ चलते रहेंगे तब तक मेरा आदमी अपना हाथ रोके रहेगा और जहां तुम दोनों के हाथ रुके मेरा आदमी रस्सी खींचेगा, तलवारें निकलेंगी और तुम्हारा बेटा जिंदगी भर के लिए फुदकना बंद कर देगा, यानी कि उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। बेटे के लिए तो लड़ोगे ना शेर सिंह? हथियार उठाओ शेर सिंह। शेर सिंह, हथियार उठाओ, हथियार उठा ही लो शेर सिंह। मुझे माफ कर देना। Thank you.
कन का गाय को रो रही है, चल। सूरज, अपनी कसम पूरी कर सूरज, देख मेरे पास वक्त नहीं, चला गोली, चला गोली। तुम्हारी मोहब्बत जीत गई शेर सिंह, मेरी नफरत हार गई, मैं हार गया शेर सिंह। मुझे आज पता चला कि मेरा मोहसिन मेरे बाप के कातिल से बहुत बड़ा है, मेरा मोहसिन मेरे बाप के कातिल से बहुत बड़ा है। हाँ शेर सिंह, मेरा मोहसिन मेरे बाप के कातिल से बहुत बड़ा है। सूरज, ए सूरज, आखिरी चांद सांसों में जो सुकून तूने मुझे दिया है, मैं शायद सात जन्म पाकर भी सुकून हासिल नहीं कर सकता था। आज मेरा प्रायश्चित पूरा हुआ है, आज मेरा प्रायश्चित पूरा हुआ है। गंगा, ए गंगा, सुन रही है तू? आज मेरा प्रायश्चित पूरा हो गया गंगा। गंगा नहीं, नहीं गंगा नहीं, नहीं गंगा नहीं, गंगा तू तो मुझसे बहुत खुशकिस्मत है रे, तू सुहागन जा रही है रे। इस जिंदगी ने हमें हर मोड़ पर सताया है गंगा, जीते जी हमें कभी मिलने नहीं दिया, लेकिन आज मैं तेरे साथ जाऊंगा गंगा, मैं तुझे अकेला नहीं जाने दूंगा गंगा, मैं रहूंगा गंगा, मैं बस ये